हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सो कल तो हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे एंड थिंग्स वेंट वेरी वेरी बैडली। और बेटा, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था और आई डोंट नो क्या क्या हुआ था कल। एक चीज़ तो नहीं हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो इसलिए मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि हुआ क्या। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने इससे पहले लाइव स्ट्रीमिंग लिया नहीं था, बिल्कुल ही लिया था, बट डोंट नो क्या हुआ। वेर इज, कोई बात नहीं, द शो मस्ट गो ऑन। हाई फील फुटबॉल। हेलो बेटा, आई होप आज भी बच्चे आ जाएंगे। कल तो सारे ही मतलब डिसअपॉइंट होके चले गए थे, तो उस हिसाब से लाइक इट्स नॉट गुड, बट ठीक है, वो टेक्निकल इशू था, तो इट वॉज रियली नॉट फ्रॉम माई एंड। आई डोंट नो, मैंने तो अपने एंड से बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व करने की पूरी कोशिश तो की है, बट लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। तो चलो अब हम लोग ज्यादा ज्यादा टाइम वेस्ट। यस, डेफिनेटली मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। मैं चैप्टर वाइज सोल्यूशन भी अपलोड करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, थियरी और सारे। बट अभी तो ये टाइम है कि मैं आप लोगों को फटाफट शॉर्ट आंसर्स बता दूं, और शॉर्ट आंसर्स के साथ साथ मैं आप लोगों को जो है मीनवाइल 2-4 दिन पढ़ने का काम दे दूं। वालेकुम अस्सलाम अबू बकर मैम, प्रॉब्लम सॉल्व, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। यस, सानिया, आई डू अंडरस्टैंड एंड इवन आई विल ट्राई फ्रॉम माय एंड टू डू दोज थिंग्स। आई डू नो कि आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बैंक। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग क्वेश्चन बैंक, कंग्रेचुलेशन। ये कोई नॉर्मल सी बात भी नहीं है क्वेश्चन बैंक लेना। अगेन गया। ओके, तो बच्चों ओके, तो बेटा अभी ना हम लोग क्वेश्चन बैंक में वन बाय वन क्या करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि उनका आंसर्स कैसे होने वाला है। तो बेटा अगर एक बार एनालाइज किया जाए तो ये आपको टोटल दिया हुआ है कि केमिस्ट्री के पर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो दिस इज अ फर्स्ट थिंग व्हिच इज गिवन टू यू। तो पहले चैप्टर से 35 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दूसरे से 34 पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही ऑल टुगेदर, ऐसे ही ऑल टुगेदर बेटा आपको टोटल क्वेश्चन बैंक में 509 क्वेश्चंस दिए हुए, 500। क्या मैम एग्जाम्स कैंसिल होगा कोरोना राइजिंग की वजह से? नॉट एट ऑल बेटा, एग्जाम्स कैंसिल नहीं होंगे। देखो बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं कोविड में, नीट का एग्जाम हुआ है, जेई का हुआ है, और बोर्ड का भी होगा, और एग्जाम देना ही पड़ेगा, कोई और सोल्यूशन है ही नहीं, तो एग्जाम्स कैंसिल नहीं होंगे। एंड प्लीज डू नॉट प्रे कि कोरोना और बढ़ जाए और एग्जाम्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाए, तो ये होने वाला नहीं है बच्चों। तो जस्ट स्टडी स्टडी स्टडी, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू फॉर अ टाइम बीन। आप सिर्फ स्टडी करते रहिए। ओके okay? तो बच्चों यहाँ पे एक सेकेंड में कुछ बच्चों को और बोल देती हूँ इफ दे वॉन्ट टू कम, जस्ट गिव मी 1 मोर मिनट। एक सेकेंड, ओके कूल। तो बेटा मैम पॉइंट्स पे आओ जल्दी, टाइम इम्पोर्ट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो नाउ वी आर गोइंग टू दी फर्स्ट क्वेश्चन, और जो कि है आपका सॉलिड स्टेट से। ठीक है, हम लोग अभी सॉलिड स्टेट के बारे में बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट में आपको क्या दिया हुआ है, एमसीक्यूज दिया हुआ है। सिर्फ मैं बता देती हूँ वेरी शॉर्ट में, मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। बट बेटा कभी कभी ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है, अगर मेटल्स होंगे तो कौन सा बॉन्ड होगा, तो मेटालिक बॉन्ड होगा। अगर मॉलिक्यूल्स प्लस आयंस है तो आयोनिक बॉन्ड होगा। थोड़ा सा इसी में से बच्चों क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, तो प्लीज मेक श्योर कि वो भी थोड़ा बहुत आप उसके आगे पीछे भी पढ़ लो। ऑर्थोरॉम्बिक में कितने, किसके अंदर 4 ब्रेविस लेटाइस होते हैं? तो बेटा एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है ना, क्यूबिक के अंदर कितने ब्रेविस लेटाइस होते, तो दिस थिंग्स कैन आल्सो बी आस्क्ड। फिर इसके अलावा ये पूछा जा सकता है मोनोक्लिनिक में कितना होता है, तो हम लोग वो सारी चीजें भी अपने अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।
हाँ बेटा, मैं क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करूंगी, बट एमसीक्यूज में सोच रही हूँ पहले स्किप करते, फटाफट बड़े बड़े क्वेश्चंस को ले लेते और फिर उसके बाद एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करते। तो अगर मैं ऑर्थोरॉम्बिक के क्रिस्टल्स के बारे में बात करूँ, क्योंकि आप बोल रहे हो, तो देखो इसके अंदर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी होता है, इसके अंदर बॉडी सेंटर्ड भी होता है, बीसीसी भी होता है, इसके अंदर एफसीसी भी होता है, और इसके अंदर होता है बेस सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड मतलब एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये एक लौता ऐसा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिसमें चारों के चारों प्रेजेंट होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्फीयर? तो बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एक, दो, तीन ऐसे होते हैं, और फिर एक, दो और तीन, टोटल छह। देर आर टोटल सिक्स वॉइड्स विच आर सराउंडेड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है सिक्स। साथ साथ में बेटा अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस सॉलिड? कौन सा जो है बच्चों यहाँ पे अमोर्फस सॉलिड है? तार। एमोर्फस सॉलिड वो होता है जिसका अपना कोई शेप नहीं होता है। जिसका अपना कोई शेप नहीं होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल इट एज अ एमोर्फस सॉलिड। तो ये भी आपका क्या है बेटा? एमोर्फस सॉलिड है। अ पैड कटायन एंड एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड एज शॉटकी डिफेक्ट। बेटा शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है? एक कटायन और एक एनायन मिसिंग होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ शॉटकी डिफेक्ट। ये श्रुति वेरी सुन बेटा, एक बार ये क्वेश्चन बैंक्स के काम पूरे हो जाए देन फिर मैं आप लोगों के लिए लाइव आऊंगी। द यूनिट ऑफ अ सिंपल क्यूबिक सिस्टम हैज एट कॉर्नर्स, द नंबर ऑफ यूनिट सेल इज? बेटा यहाँ पे क्या बोला है कि आपका जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसके पास टोटल वो कितने यूनिट सेल से बना है? तो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये देखा है आठों कॉर्नर्स पे, देर आर एट कॉर्नर्स, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे बना दे तो देर आर टोटल एट कॉर्नर्स, और हर एक कॉर्नर पे क्या होता है बच्चा? एक यूनिट सेल होता है। तो एक कॉर्नर पे जो हिस्सा होता है वो 1/8 का होता है। तो अगर मैं डिवाइड करूं 1/8 × 8 विच इज 8 कॉर्नर, तो आपको जो नंबर ऑफ यूनिट सेल मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। SCC में एक होता है, BCC में दो होता है, और FCC में चार होता है। FCC में कितना होता है बच्चों? 4 होता है। तो टोटल इस तरह से आपको इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर SCC पूछा है तो ऐसा भी पॉसिबल आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में BCC पूछ ले, तो दे कैन ऑल्सो आस्क यू BCC। अगर आपके पास एक प्रिमेटिव यूनिट सेल है, प्रिमेटिव यूनिट सेल है मतलब इट इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमेटिव का मतलब क्या है बच्चों? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर बेटा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, हमने इसके ऊपर एक डेरिवेशन किया है, वो डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आ जाएगा 52.4। HCP का कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना होता है? 6 होता है। आपके पास एक कंपाउंड है, ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ है। अगर एक एलिमेंट X है, दूसरा Y है, और ये BCC स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इट इज X एंड Y। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल के लिए कल मैं एक एक चैप्टर की कल से सीरीज लेके आऊंगी, जहां पे हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स जो है उसको डिस्कस करने वाले। फिर इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपके पास एक यूनिट सेल है जिसका एज लेंथ 4.3 × 10⁻¹⁸ है, तो उसका रेडियस कितना होगा? अगेन इट इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है कि आपको सेम यही आंसर आए, आपने आंसर को रट लिया कि हाय मोहित 1.86 × 10⁻¹⁸, ये आपने अगर ऐसे रट लिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही आंसर्स आने वाला है। ओके बेटा, तो आपको ये वैल्यू बदल के आएगी। सो दिस इज अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो हम अपने अपकमिंग न्यूमेरिकल सेशंस में सॉल्व करने वाले। अब बेटा बात आई 1 मार्क की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1 मार्क से बच्चों आप मैक्सिमम मार्क्स जो है, और यहाँ पे 1 मार्क्स में क्या होता है बेटा, मार्क्स कटते नहीं है,
मतलब अगर आपको मिल गया तो पूरा ही मिल जाएगा, नहीं मिला तो जीरो हो जाएगा। 1 मार्क के क्वेश्चंस में इधर यू विल गेट 1 और यू विल गेट 0। आपको वहां पे बच्चा कभी भी ऐसे नहीं, मैम प्लीज, यस यस यस, आपको कभी भी हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब पार्शियली करेक्ट है तो आधा मार्क्स नहीं मिलेगा, इट हैज टू बी कंप्लीटली करेक्ट। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, नेम द इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन फ्रेंकल डिफेक्ट। बेटा फ्रेंकल डिफेक्ट में होता क्या है, एक जगह से आपका कटायन अपनी पोजीशन को, रेगुलर पोजीशन को छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है, लेकिन रहता तो उसी क्यूबिक यूनिट सेल में है, इसी के अंदर रहेगा, तो डेंसिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो डेंसिटी विल रिमेन सेम और यू कैन राइट डाउन इट एज रिमेन अनचेंज्ड। डेंसिटी जो है वो क्या आ जाएगा, रिमेन सेम, डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ उनका डिसलोकेशन हुआ है, अपनी जगह से कहीं और चले गए हैं, बट है तो बिल्कुल वहां पे, तो डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेम द ब्रेविस लेटाइस इन अ ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम के अंदर कितने ब्रेविस लेटाइस होते हैं, तो बच्चों यहाँ पे होता है सिंपल, मतलब SCC, और सिंपल का ही दूसरा नाम है प्रिमिटिव, तो आप दोनों में से कोई भी लिख दो, चाहे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लिख दो या फिर आप लिख दो प्रिमिटिव, आपको सेम मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। तो ब्रेवाइस लेटाइस में, ट्राइक्लिनिक में सिर्फ एक ही टाइप का होता है, तो आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव सेल। वॉट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनके पास एक भी अनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा नो अनपैड इलेक्ट्रॉन, नो अनपैड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपैड इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होता है। बेटा मुझे कमेंट्स, एक मोबाइल रखती हूँ, मुझे वहां पे दिखते हैं। हाय आशीष, तुम्हारा पेपर कैसा गया बेटा, हेलो ओमकार। तो बच्चा यहाँ पे नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक भी सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अ सब्सटेंस विथ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चा, लोग उसको हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, हम उसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। अभी बेटा ये जो अगला आंसर है वो, तो आई होप आप लोगों ने ये आंसर लिख लिया होगा कि व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, अ सब्सटेंस व्हिच हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगला क्या दिया हुआ है, गिव वन प्रॉपर्टी कॉमन फॉर बोथ HCP एंड CCP क्रिस्टल लेटाइस। HCP और CCP क्रिस्टल लेटाइस में क्या कॉमन पॉइंट होता है, तो बेटा मैं वो कॉमन पॉइंट इधर लिख रही हूँ, बिकॉज वी हैव लेस स्पेस, तो मैं यहाँ पे वो कॉमन पॉइंट जो है वो लिख रही हूँ। बेटा यहाँ पे कॉमन पॉइंट ये है कि बोथ HCP एंड CCP, दोनों HCP और CCP के बीच में दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, और साथ साथ में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपका आंसर क्या होगा, देर इज इन HCC एंड CCP बोथ हैव टू टेट्राहेड्रल वॉइड एंड वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ देम हैव टू टेट्राहेड्रल वॉइड एंड वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सबके पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। आगे बोला है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एन एटम, रेडियस ऑफ एन एटम और एज लेंथ के बीच में, मतलब और वो भी कौन सा यूनिट सेल है, FCC। बेटा देखो रिड्यूस सिलेबल्स में आपको FCC का डेरिवेशन निकाल दिया था, लेकिन लेकिन आपको FCC से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे शॉर्ट क्वेश्चंस में
ये सारी चीजें भी इंक्लूड की जा रही है एंड यू हैव टू पे अटेंशन ओवर हियर। तो बच्चा एफसीसी का डेरिवेशन में आपका आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू रूट टू बाई फोर ए। यही रिलेशनशिप होता है रेडियस और एज लेंथ के बीच में, रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप होता है आर इज इक्वल्स टू रूट टू ए, रूट टू बाई फोर ए। दिस इज योर रिलेशनशिप, ये आपका जो है बच्चों क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा। ड्रॉ डायग्राम ऑफ बी सी सी यूनिट सेल। अभी बेटा देखो यहाँ पे क्या पूछा है, बी सी सी का डायग्राम पूछा है, और डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक क्यूब बनाना पड़ेगा। ये आपने एक क्यूब बना लिया मान लो, ओके वी विल टेक हियर एज अ क्यूब, ये मेरा एक क्यूब बन गया, ठीक है बच्चों। अब क्यूब बनने के बाद बेटा आप क्या करोगे, आप पहले इस क्यूब को पूरा कंप्लीट कर दो, ये आपका क्यूब कंप्लीट हो गया, फिर यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो यहां तक के, और इनके बीच में एक दो और तीन, ऐसे तीन सर्कल्स बना दो, और ये हो गया आपके बीसीसी का डायग्राम। अब बीसीसी के डायग्राम के बारे में बात करें तो ये डायग्राम जो है ये आपके टेक्स्ट बुक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी डायग्राम रेफर कर सकते हो। अब क्वेश्चन बैंक में बीसीसी पूछा है तो हो ये भी सकता है कि आपके एग्जाम्स में एसएससी पूछ ले या फिर बीसीसी भी पूछ ले, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ ऑफ देम। अभी बच्चों अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, ओके क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर फॉर्म्ड इफ द नंबर ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल इज एन बाई टू। अगर आपके पास एक क्रिस्टल है जिसका फॉर्मूला है एन बाई टू, तो कितना टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, कितना टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो बनेगा, ठीक है बेटा, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो टू लुक ओवर दैट हम लोग अभी देख लेते हैं कि वॉट एग्जैक्टली योर आंसर शुड बी। तो बच्चों अब हम लोग आंसर्स पे आ जाते हैं। बेटा यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो ये होगा द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज हाफ, सॉरी द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, हाफ होता है। तो अगर ये एन बाई टू है, अगर ये एन बाई टू है तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, एन होगा। ये सीधा सीधा रिलेशन है बेटा, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड चार है, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड अगर चार है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसका दो होगा, मतलब उसका आधा होगा। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, टेट्राहेड्रल वॉइड अगर आठ है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी फोर। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हाफ का होता है। तो अगर ये एन बाई टू है, अगर आपका टेट्राहेड्रल वॉइड एन बाई टू है तो आपका ऑक्टाहेड्रल, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म्ड, आपको टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में पूछा, ये आपका एन बाई टू है, तो योर आंसर शुड बी एन, सिर्फ एक एन, सिंगल एन इज गोइंग टू बी योर आंसर। गिव द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी लैटाइस। बेटा इसके, हेलो मनीष, हाँ आशीष तुम अभी ठीक ठाक ही गया, ठीक ठाक गया, ओके। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, गिव द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी लैटाइस। बीसीसी लैटाइस के बीच में एम्प्टी स्पेस या एम्प्टी परसेंटेज कितना होता है। तो बच्चों हमने देखा है, डेरिवेशन किया है, डिराइव करके हमने ये वैल्यू निकाली है, अपनी एंड से कुछ भी नहीं बोल रहे, हाय अदिति, कि टोटल 68% की पैकिंग एफिशिएंसी होती है बीसीसी की, मतलब 68% वो पैक्ड होता है। तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा, इट इज नथिंग बट 100 माइनस 68, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32%, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो यू हैव टू राइट इट डाउन एज 32%। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 32% की, ओके। अभी ये आपका न्यूमेरिकल है, देखो हर एक में एक एक मार्क का न्यूमेरिकल है। कल मैं होपफुली सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस के साथ
और पूरा फिजिकल केमिस्ट्री एक पार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल्स वी विल लीव फॉर नाउ, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए वी नीड मोर टाइम, तो पूरा पेपर डिस्कस हो नहीं पाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। बेटा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, वैसे तो इस साल ये लोग ने रिड्यूस सिलेबस में इसको डाल दिया था, बट द क्वेश्चन इज अगेन आस्क, और ये तो आपको क्लास 9th में भी था। तो बेटा आपके केमिस्ट्री के पेज नंबर 1 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है, मतलब उनका अरेंजमेंट एक जैसा होता है। एमॉर्फस सॉलिड में अरेंजमेंट फिक्स नहीं होती है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट फिक्स होती है, तो उसी की वजह से बच्चों उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, उनकी जो डेंसिटी होती है, ये सारे के सारे फिक्स हो जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं नॉर्मली इसके बारे में बात करूं अमॉर्फस सॉलिड के बारे में, तो क्योंकि उनका शेप फिक्स नहीं है, उसी कारण से उनकी डेंसिटी भी फिक्स होती नहीं है। और बच्चा क्योंकि उनकी डेंसिटी फिक्स नहीं होती है, इसी की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा। तो बेटा ये दूसरा पॉइंट हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ट्रू सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड आर नथिंग बट दे आर स्यूडो सॉलिड। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स हो गए। आप अब एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हो, सॉल्ट हो गया आपका, या ये सारी चीजें वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगी, पाउडर एंड ऑल दोस थिंग्स आर नथिंग बट दे आर अमॉर्फस सॉलिड। तो ये आपको डिस्टिंग्विश दिया है। वैसे तो ये क्वेश्चन हर पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा ही जाता था, इजी क्वेश्चन का हिस्सा है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो बच्चों आपको भी ये क्वेश्चन जरूर कर लेना है। ओके, अगला क्या दिया हुआ है, क्लासीफाई दी फॉलोइंग सॉलिड्स एज मॉलिक्यूलर आयोनिक कोवेलेंट एंड मेटालिक सॉलिड। जो आपको सॉलिड आया है उसको क्लासीफाई करो एज क्रिस्टलाइन आयोनिक एंड ऑल सॉलिड के फॉर्म में। तो बेटा देखो, आपको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपको मैं डायरेक्ट आंसर दे देती हूँ इसका। आपके पास पी बी है, ओके, आपका जो पी बी है मतलब आपका जो लेड है वो कौन सा सॉलिड होगा बच्चों? तो यहाँ पे आपका जो लेड है वो एक मेटल है, नो डाउट बेटा, आपका जो लेड है वो क्या है, वो मेटल है। तो ये हो जाएगा आपका मेटालिक सॉलिड। क्या हो जाएगा बच्चा ये आपका, ये मेटालिक सॉलिड हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट देखूं, MgF2, क्या दिया हुआ है बच्चा, MgF2। तो ये जो आपका MgF2 है, MgF2, ये आ जाएगा आपका आयोनिक सॉलिड। MgF2 क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी अ आयोनिक सॉलिड, MgF2। MgF2 इज आयोनिक सॉलिड। फिर आपको दिया हुआ है SO2, आपको अगला एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है, SO2। और SO के 2 के केस के बारे में अगर हम बात करें, ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। और लास्ट में आपको दिया हुआ है क्वार्ट्ज। तो बच्चा अभी मैं क्वार्ट्ज का यहीं पे लिख देती हूँ, क्वार्ट्ज के लिए अगर हम आंसर की बात करें, इट इज अ कोवेलेंट सॉलिड, ये आपका हो जाएगा कोवेलेंट सॉलिड। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ पे ये सारे सॉलिड के आंसर्स मिल गए हैं। हाय अदीबा, हेलो बेटा। तो यहाँ पे आपको मिल गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। फिर बोला है फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो बच्चों ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करने वाले हो, हमें पता है FCC में क्या होते हैं, देर आर 1/8, मतलब हर एक कॉर्नर पे एक स्पीयर का 1/8 हिस्सा लगा है, मतलब 1/8 पार्ट लगा है, और हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 कॉर्नर से, ठीक है बेटा। प्लस FCC में क्या हो रहा है बच्चों, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो यू माइट बी नोइंग, हर एक फेस पे आधा आधा स्पीयर लगा होता है। टोटल जो है 1/2 पार्ट लगा होता है हर एक फेस पे, और टोटल देर आर सिक्स फेस। ये 8 वन्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 1 1 प्लस
वन्सा और ये थ्रीजा, ये आ गया आपका थ्री। तो टोटल जो नंबर ऑफ स्पीयर या यूनिट सेल है वो कितने लगेंगे? चार लगेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है बच्चा वो आ जाएगा फोर। योर आंसर शुड बी फोर। फोर द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एफ सी सी इज नथिंग बट इट इज फोर। फिर बोला है एक्सप्लेन विथ डायग्राम द वैकेंसी डिफेक्ट। डायग्राम्स में एक्सप्लेन करो वैकेंसी डिफेक्ट होता क्या है। वैकेंसी डिफेक्ट बेटा, डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट, पहले तो डिफेक्ट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ, बट इसके साथ मैं आपको ये बता देती हूँ इसका आंसर आपको पेज नंबर 16, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्सप्लेन विथ डायग्राम द वैकेंसी डिफेक्ट। तो बच्चों अब वैकेंसी डिफेक्ट में होता ये है, इधर थोड़ा सा स्पेस है तो आई विल ड्रॉ हियर। ये आपके पास एक स्पीयर है, नॉर्मल अलाइनमेंट एक के नीचे एक लाइन में तीन होना चाहिए था, बट यहां से एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और यहां से एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, मिसिंग है। तो अगर कोई नॉर्मल कटायन और अनायन अपने पोजीशन को छोड़ देता है और वो चला जाता है कहीं और, तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ वैकेंसी डिफेक्ट। पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्या है बच्चा लोग, मिस कर रहे हैं, और इसी की वजह से। बट अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से चले गए हैं, बट उसके अलावा बेटा वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। हालांकि आपको ये डिफेक्ट्स तो बच्चों मैं जब आप लोगों को क्लासेस में पढ़ा रही होती हूँ या कभी भी, तो मैंने आपको बोला है कि दिस डिफेक्ट हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो डिफेक्ट्स तो आपको सारे ही पढ़ के जाने, बट वैकेंसी और फ्रेंकल, वैकेंसी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट तो मतलब आता ही आता है, तो इसको आपको ध्यान से कर लेना है। अब इसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल है, जिसके सोल्यूशन के साथ मैं कल मिलूंगी आप लोगों के साथ। सारे न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन कल होंगे, बिकॉज इस पीडीएफ फॉर्म में वो पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग उसको कल सॉल्व करेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी। बेटा क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने जो डेरिवेशन नहीं करा है बेटा कि बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी का, तो ये उसी का डेरिवेशन है, ये उसी का डेरिवेशन है बच्चों। मैंने आप लोगों को ये डेरिवेशन क्लासेस में करवाया हुआ है, और ये डेरिवेशन आपको एग्जैक्टली वैसे ही करना है। वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर निकाल लेना है और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकाल लेना है बेटा। या तो एक डेरिवेशन आ जाएगा 3 मार्क्स में, या तो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी आपके क्वेश्चन बैंक का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके क्वेश्चन बैंक में से भी अगर हम लोग इंपॉर्टेंट निकालें तो वो कुछ ऐसा क्वेश्चन है। अगला आपको क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ एचसीपी, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन केस ऑफ एचसीपी स्ट्रक्चर हाउ आर स्पीयर प्रेजेंट इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेयर। एचसीपी स्ट्रक्चर में बच्चों कैसे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा मैं तो पहले आप लोगों को इसके बारे में बता दूं कि एचसीपी लेयर्स में कैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर के लिए आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, मतलब एचसीपी में जो आपके पास पैकिंग होती है, दैट इज ए, ये आपका अरेंजमेंट हो जाएगा ए बी ए अरेंजमेंट। मतलब पहली लेयर होती है ए की, फिर उसके नीचे एक लेयर आ जाती है बी की, तो ये आपका हो जाएगा बी का लेयर, और फिर इसके बाद आ जाएगी आपका एग्जैक्टली ए की लेयर। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, एंड दिस इज अगेन योर ए। तो आपकी लेयरिंग्स कुछ होती है ए बी ए। अब बच्चों इसका आंसर आपको जो है पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पे मिलेगा। बट बेटा इसके अलावा भी मैं आपको ये सारे आंसर्स के पीडीएफ देने वाली हूँ बहुत जल्दी, बट उतना टाइम अभी हमारे पास था नहीं, तो एटलीस्ट आप पढ़ना शुरू कर दो, इसलिए हम लोग आंसर्स को अभी ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, और ये बहुत थोड़ा मतलब मीनवाइल आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा।
क्रिस्टल स्ट्रक्चर, देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल है। सॉलिड स्टेट का एक न्यूमेरिकल लास्ट ईयर आया था फॉर 3 मार्क्स और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। सॉलिड स्टेट में बच्चों सिर्फ एक ही टाइप का न्यूमेरिकल है ही, और वो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले, मतलब मैं कल एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो आप लोगों को करवा देती हूँ, सो दैट आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो। तो ये दो न्यूमेरिकल्स है बेटा, हर एक क्वेश्चन में देर आर टू टू न्यूमेरिकल्स यू कैन सी। आपके एग्जाम में सॉलिड स्टेट में से मोस्ट प्रोबेबली एक न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाएगा। व्हाट आर नॉन स्टीकोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट? बेटा स्टीकोमेट्रिक मतलब होल नंबर्स में होना, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, अगर ऐसा कभी होल नंबर्स में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ नॉन स्टीकोमेट्रिक, नॉन स्टीकोमेट्रिक डिफ और स्टीकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो बच्चों अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नॉन स्टीकोमेट्रिक डिफेक्ट पूछा है। ऐसा डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट होता है 0.83 के फॉर्म में हो गया, या डिफेक्ट जो है वो होल नंबर्स में प्रेजेंट नहीं है, तो हम ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल इट एज अ नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। वेरी गुड आफ्टरनून ओम बेटा। व्हाट आर नॉन स्टीकोमेट्रिक डिफेक्ट? हाउ आर नॉन स्टीकोमेट्रिक डिफेक्ट क्लासिफाइड? तो बच्चों इसके लिए मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक का पेज नंबर भी बता देती हूँ। आपको जो है नॉन स्टीकोमेट्रिक डिफेक्ट, ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 के सेकेंड हाफ पे मिल जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को पेज नंबर 19, तो आई विल राइट डाउन हियर, पेज नंबर 19 के सेकेंड हाफ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बच्चा नॉन द रेशियो ऑफ नॉन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ वन काइंड टू द अदर काइंड, मतलब इसमें ऐसा होल नंबर्स में डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्टीकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें मेटालिक डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है जिसमें कम होते हैं मेटल्स, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मेटालिक एक्सेस डिफेक्ट होता है जिसमें जरूरत से ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो कि आपके इंटरस्पेशियल स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो पेज नंबर 19 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, डाई मैग्नेट, पैरा मैग्नेट एंड फेरो मैग्नेट। तो बेटा वैसे तो आई डोंट नो ये पार्ट डाला क्यों है, ये तो रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा था, आप लोगों को भी पता है क्वेश्चन बैंक में, बट अब दे दिया है तो वी हैव टू डू, एंड हमें दे दिया है तो वी हैव टू डू इट। हम लोग नहीं बोल सकते कि क्यों दिया एंड ऑल दैट, तो इट्स फाइन, लेट्स डू इट। डाई मैग्नेट क्या होता है बेटा? जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो डाई मैग्नेट होता है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे बच्चा? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ डाई मैग्नेट। पैरा मैग्नेट के बारे में बात करें तो पैरा मैग्नेट के केस में क्या हो जाएगा बेटा? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास दो या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, दो या एक, एक दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पैरा मैग्नेट बोलते हैं। अब बेटा पैरा मैग्नेट कैसे होते हैं ना, मान लो कि मेरे पास अभी कोई एक मैग्नेट है, चलो अभी हम लोग ले लेते हैं कि चलो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। तो जब मैग्नेट आया तो इस मैग्नेट के प्रेजेंस में मेरी जो ये वाली फील्ड है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई, वो मैग्नेट के प्रेजेंस में मैग्नेट को क्या करने लगा? अट्रैक्ट करने लगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ पैरा मैग्नेट। पैरा मैग्नेट वो होता है जो मैग्नेट के प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। इट हैज वन और टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट शोज मैग्नेटिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट। जैसे ही तुमने मैग्नेट को हटाया तुम्हारा आयरन नेल के अंदर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरी की पूरी चली गई, तो ये आपका हो गया पैरा मैग्नेट। फिर इसके बाद दिया हुआ है फेरो मैग्नेट। व्हाट इज फेरो मैग्नेट सब्सटेंस? बेटा फेरो मैग्नेट सब्सटेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो फेरो मैग्नेट सब्सटेंस वो होता है जो परमानेंट मैग्नेट होता है, जो परमानेंट मैग्नेट होता है, और इसके पास 3-4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही है बेटा। आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही ज्यादातर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं।
एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और उसके पीछे का रीजन क्या होता है? डी ब्लॉक एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ढेर सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। बच्चों आपने ब्लॉक्स अलग अलग से भी पढ़ रखे हैं, तो आपको काफी आइडिया होगा इसके बारे में, आई गेस। ओके ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, वो अगला क्वेश्चन इस तरह से है। यहाँ पे आपका 3 मार्क का क्वेश्चन भी खत्म हो गया, योर 3 मार्क क्वेश्चन इज डन। फिर आपको क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर नॉन स्टीकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफेक्ट, एक्सप्लेन विद द डायग्राम ऑफ एफ सेंटर। बेटा नॉन स्टीकोमेट्रिक डिफेक्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी बताया था कि नॉन स्टीकोमेट्रिक डिफेक्ट आपका है पेज नंबर 19 पे। आपको ये आंसर पेज नंबर 1919 से क्या करना है, पढ़ लेना है। तो इट इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 19, जहां पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, नॉन स्टीकोमेट्रिक डिफेक्ट दिया हुआ है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीकोमेट्रिक डिफेक्ट, उसमें भी पूछा है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी क्या है। तो बच्चों अगर इसके आंसर्स के बारे में मैं बात करूं, तो इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 17-18। पेज नंबर 17 पे डिफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको सारे डिफेक्ट, चाहे वो फ्रेंकल डिफेक्ट हो, चाहे वो शॉटकी डिफेक्ट हो, चाहे वो कोई भी डिफेक्ट क्यों ना हो, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट हो, ऑल दोज डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो, डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जब मैं आप लोगों को क्लासरूम्स में पढ़ा रही होती हूँ तब भी मैंने बोला हुआ है। तो आपको ये डिफेक्ट जो है वो पढ़ के ही जाना है। इसके अलावा बेटा एक ऐसा डेरिवेशन है, बच्चे क्या करते हैं यूजुअली FCC पढ़ लेते हैं, BCC पढ़ लेते हैं, SCC पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 14 पे एक डेरिवेशन दिया हुआ है। पेज नंबर 14 पे बच्चों एक डेरिवेशन दिया हुआ है। ये डेरिवेशन है डेंसिटी और मोलार मास के रिलेशनशिप के बारे में। मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो प्लीज देखो बेटा, अगर अगर वो न्यूमेरिकल नहीं देता है सॉलिड स्टेट से, तो ये वाला डेरिवेशन या BCC SCC इसमें से ही कुछ देने वाला है, तो वहां पे आपको ये डेरिवेशन वो लोग पूछ सकते हैं। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। अब डेरिवेशन में कुछ ज्यादा तो है नहीं, डेरिवेशन में ए आपका एज लेंथ होता है जो कि आपको पता ही है। तो बेटा अभी अगर मैं करवाऊंगी तो पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो नहीं पाएगा। पेज नंबर 14 आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 के फर्स्ट हाफ में आपको इसका पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। तो प्लीज ये डेरिवेशन कर लेना। क्वेश्चन बैंक से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के जाना नहीं है बच्चों। इतने नसीब वाले हो आप लोग कि आप लोगों को क्वेश्चन बैंक मिला है। पहली बार बोर्ड की हिस्ट्री में किसी को क्वेश्चन बैंक मिला। इससे पहले तब कभी क्वेश्चन बैंक करके कोई चीज बच्चों को मिली नहीं थी, और कभी हमने सोचा भी नहीं था कि बच्चों को क्वेश्चन बैंक करके कुछ बोर्ड प्रोवाइड करेगी, बट ठीक है। शुगर डिजोल्व इन वाटर, शुगर पानी में क्यों डिजोल्व हो जाता है? वो क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है पानी के साथ। आपको पता है शुगर एक नॉन पोलार मॉलिक्यूल है, नॉन पोलार मॉलिक्यूल होके भी वो पानी के साथ जो है बॉन्ड बना लेता है। तो वहां पे जो बॉन्ड होता है बच्चों वो कौन सा बॉन्ड है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पूछा है द सल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, सल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। बेटा देखो ये इसका आंसर है डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है गैस के मॉलिक्यूल्स छोटे से बड़े 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 और बहुत बड़े हो जाते हैं। बच्चों आपने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के एक्सपेरिमेंट क्लास 11 में किया होगा, तो थाइल्स ट्यूब में आपने देखा होगा जैसे आप स्लाइटली हीट करते हो कितना ज्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, कितना ज्यादा टेम्परेचर के बढ़ते बबल्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और थाइल्स ट्यूब से बाहर निकलने लगते। तो योर आंसर इज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ में आपका आंसर ऑब्वियसली मोर पर लीटर बार इनवर्स, ये आपका आंसर हो गया। फिर क्या बोला है,
दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होता है बेटा जो नंबर्स पे डिपेंड करता है, उसको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, है ना। रियल लाइफ में सुनने में बड़ा अजीब लगता है, भैया हमें तो नंबर्स के साथ साथ क्वालिटी भी मैटर करती है, लेकिन हाँ सॉल्यूशंस में ऐसे हमने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े। इनफैक्ट जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तो भी हम यही बोलते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल। तो दिस इज योर आंसर। द फॉलोइंग सॉल्यूशन स्लैश सॉल्वेंट हैज अ मैक्सिमम वेपो प्रेशर, किसके पास मैक्सिमम वेपो प्रेशर होगा? जिसके पास बच्चा अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपका है 1 मोलार कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरा दिया हुआ है 2 मोलार कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तीसरा दिया हुआ है 0.5 मोलार कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और यहाँ पे दिया हुआ है प्योर सॉल्वेंट वाटर। तो कॉपर सल्फेट का ज्यादा होता है, ये तो पहली चीज है एज कंपेयर टू दी सॉल्ट। अब सॉल्ट तो वाटर तो निकल गया, लेकिन अब यहाँ तीनों में से आंसर कौन सा होगा? तो जो जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा, जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा बच्चा, उसका जो है वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो योर आंसर विल बी 0.5 मोलार। अब एग्जाम में मान लो आपको यहाँ पे 0.005 ये कॉन्सेंट्रेशन कम करके ज्यादा करके दे दी जाए, तो जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा वो बेटा कैसा होगा उतना ही ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ अगर आप सॉल्यूशंस पढ़ रहे हो तो राउल्ट्स लॉ तो इस चैप्टर की जान है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वो किस पे नहीं डिपेंड करेगा? तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, वो X2 पे डिपेंड करता है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशनशिप तो हमने पढ़ रखा है, TF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, तो यहाँ पे आपके MCQs हो जाते। बच्चों आप लोगों को MCQs भी दिया हुआ है, इट्स ग्रेट अगर इसमें से MCQs पूछ लेता है, मतलब आप लोगों से मतलब यू आर रियली ब्लेस्ड, देन यू आर रियली ब्लेस्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर 0.1 मोलार यूरिया सोल्यूशन एंड 0.1 मोलार सुक्रोज सोल्यूशन? बेटा इसकी मोलारिटी भी सेम है, इसकी मोलारिटी भी सेम है, मतलब इनके अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, सेम मोलारिटी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, एक जैसे गैस जो होते हैं एंड ऑल दोस, तो गे लुसेक्स लॉज एंड उसके थ्रू, तो अगर इनकी मोलारिटी एक जैसी है तो भले ही क्यों ना ये दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो योर आंसर विल बी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे आपको हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूछी है, ये हमने डराइव करके देखा हुआ है स्कूल्स में कॉलेजेस में, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4.355 × 10⁻⁴ मोलार पर लीटर। ओके बेटा क्वेश्चन बैंक के अपडेट होंगे? नहीं, इसकी उम्मीद मत करो, आप लोगों को ऑलरेडी बहुत ज्यादा दे दिया गया है आप लोगों को। ओके आप लोगों को बहुत ज्यादा ऑलरेडी दे दिया गया है, तो आई डोंट फील इससे ज्यादा अपडेट होके आएगा। व्हाट आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, व्हाट आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस? तो बेटा देखो, अगर मेरे पास दो बीकर है, ये मेरा बीकर ए है और ये मेरा बीकर बी है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इसका ज्यादा है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बट अगर आप इसको पढ़ने के लिए पेज नंबर चाहिए तो ये पेज नंबर 40 के सेकेंड हाफ का पहला ही पॉइंट दिया हुआ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बट बच्चों मैं आपको बोलूंगी कि आप हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक तीनों पढ़ लो,
हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक और आइसोटॉनिक तीनों पढ़ लो बेटा, बिकॉज लास्ट ईयर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, हाइपर, हाइपो एंड ऑस्मो तीनों पूछा गया था। तो अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपरटॉनिक होगा, जिसका प्रेशर कम होगा वो हाइपोटॉनिक होगा, जिस दोनों का प्रेशर अगर सेम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉनिक बोलेंगे। वॉट इज काइरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, वॉट इज काइरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। अब बेटा इसका जो तुम अगर आंसर जानना चाहते हो कि काइरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट ओपन करना पड़ेगा। आपके बुक में फ्रीजिंग पॉइंट करके एक टॉपिक है, आपको पता होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, वहां पे आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। बट बच्चों मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, काइरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट मतलब ये सी सी, सी सी इज अ काइरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय वन मोलाल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन। ये आपका डेरी डेफिनेशन हो जाएगा। आपको इतना ही व्हाट इज मोलाल, व्हाट इज काइरोस्कोपिक कांस्टेंट, तो आप ये आंसर उसको लिख सकते हो। काइरोस्कोपिक कांस्टेंट इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो भी आपके फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन आ रहा था, प्रोड्यूस्ड बाय वन मोलार सोल्यूशन, प्रोड्यूस्ड बाय वन मोलार सोल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑफ नॉन वॉलेटाइल इज कॉल्ड सल्यूट, यहाँ पे सल्यूट आ जाएगा, इज कॉल्ड एज काइरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम काइरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट बोलेंगे, ठीक है बेटा। और ये जो आपका काइरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट होगा, इसकी वैल्यू, इसको हम बोलते हैं, अगर ये हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ के एफ, तो काइरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट को किससे डेजिग्नेट किया जाता है, के एफ से डेजिग्नेट किया जाता है, और यही आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। रायती इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन, दिस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपने व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन, अगर आपने एक बीकर लिया है और उसके अंदर प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, क्या डाल दिया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है बेटा, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी डिप्रेशन, इधर का आंसर आ जाएगा बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा इसका आंसर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, याद से देख लो बच्चों। आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैम मुझे साइंस वन में 40 out of 38 marks आ गए, कंग्रेचुलेशंस जय, वेरी गुड, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो बेटा। मेरी वजह से नहीं बट आपकी मेहनत की वजह से आया, तो मुझे नहीं क्रेडिट दो, इट्स ऑल ऑन यू। ओके क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो बेटा इसका एक्सप्रेशन होता है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट वन माइनस पी, ये तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम इसको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर देते, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर देते, तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन। तो बच्चों इसको एज इट इज लिख लेना, इट इज एन इम्पॉर्टेंट वन। अब इसके अलावा पूछा है स्टेट राउल्स लॉ, बेटा राउल्स लॉ जो है अगेन इट इज अ लिटिल बिट बिग लॉ, तो हम लोग राउल्स लॉ को अगर चाहते हो आप, तो मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, बिकॉज अगेन इट विल बी लिटिल बिट मोर टाइम कंज्यूमिंग, तो अपना सेशन ही बड़ा हो जाएगा, आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पेज नंबर 31 पे पहला राउल्स लॉ के बाद 1 2 3 4 5 लाइन है,
और बेटा क्या इट स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यही छोटा सा राउल्स लॉ है, यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेटमेंट पूछा गया है। बट बच्चों आपको बिल्कुल एग्जाम्स में राउल्स लॉ के डेरिवेशंस भी करके जाने। राउल्स लॉ इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राउल्स लॉ एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगला सवाल जो बेटा दिया हुआ है वो सवाल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, स्टेट हेनरी लॉ। स्टेट हेनरी लॉ, हेनरी लॉ बताओ क्या है। हेनरी लॉ स्टेट्स दैट, और हेनरी लॉ ने सल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप बताया था। तो हमारे सर हेनरी ने बोला था सल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक गैस में सल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच का रिलेशनशिप बताया था और उन्होंने बोला था सल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो इट स्टेट्स दैट सल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अभी इसमें एक छोटा सा ही डेरिवेशन है, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फिर आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के के एच पी लिख दिया और फिर आपने ये बोल दिया के एच इज नथिंग बट इट इज एन हेनरी कॉन्स्टेंट। तो ये चीज भी बच्चों आपको लिख देना है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन व्हिच एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। दो ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते। तो मैं आपको सेवेंथ का आंसर यहाँ पे लिखा देती हूँ। इसका जो आंसर है बेटा आप लोगों को थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में, तो मैंने आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है इथेनॉल एंड एसीटोन के बीच में, इथेनॉल और एसीटोन। तो आप अगर सिर्फ इथेनॉल लिख के आओगे नहीं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इथेनॉल और एसीटोन। और दूसरा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है कार्बन सल्फाइड या कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। तो आपका जो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, CH2 एंड एसीटोन। ये आपका हो गया दूसरा डेरिवेशन, ठीक, दूसरा आंसर। तो बेटा इसको एज इट इज लर्न कर लो, ज्यादा ढूंढने जाओगे टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का और कुछ नहीं। बट अगर इसके अलावा भी आप चाहते हो मैं आपको आंसर का पेज नंबर बता दूं, तो आपको जो ये पेज नंबर 33 पे इसका आंसर मिल जाएगा। 33 पे, पेज नंबर 33 पे यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि आपको कहां पे इसका आंसर मिलेगा। तो इट विल बी ऑन पेज नंबर 33। ओके, नाउ बच्चा लोग वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एंथैल्पी चेंज एंड वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग टू कंपोनेंट फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन। बेटा यू नो आप लोगों को बुक में एक डिस्टिंग्विश दिया है आइडियल सॉल्यूशन किसके बेसिस पे, राउल्स लॉ के बेसिस पे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसके बेसिस पे, राउल्स लॉ के बेसिस पे। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज एन एंथैल्पी चेंज, क्या चेंज आएगा एंथैल्पी में। तो बेटा राउल्स क्या बोलता है, जो अगर एक कोई आइडियल सॉल्यूशन होगा तो उसकी एंथैल्पी डेल्टा मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, देयर इज नो एंथैल्पी चेंज, कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होगा जब एक आप आइडियल सॉल्यूशन को मिक्स करोगे। और आइडियल सॉल्यूशन को मिक्स नहीं करोगे तो एंथैल्पी चेंज होगा, मतलब चेंज इन एंथैल्पी इज जीरो। तो योर आंसर विल बी एंथैल्पी रिमेन्स सेम, एंथैल्पी नहीं बदल रहा है आइडियल सॉल्यूशन के बीच में। और उस पे आप ये आंसर लिख दोगे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू जीरो। अब बच्चों ये आया आपके सॉल्यूशन का एक न्यूमेरिकल। इसका सॉल्यूशन हम लोग कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में जितने भी जल्दी होगा मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी लेके आऊंगी। ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स है, ठीक है बेटा। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग क्विकली अपने अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे बिकॉज यहाँ पे तो इतने जल्दी पॉसिबल होगा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन पाई इज इक्वल्स टू N2RT बाय N2RT। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन है ना बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू दिस वेर वॉल्यूम, वेर V इज द वॉल्यूम एंड L इज द लीटर कंटेनिंग सॉल्यूशन। अब बेटा ये जो आप इसके बारे में बात कर रहे हो ना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का सब क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ये आपको क्या निकालने बोल रहा है, मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट। तो बेटा ये
नंबर 40 पे, पेज नंबर 40 पे 2.10.5, पेज नंबर 40 पे 2.10.5, यहां पे आपको इसका आंसर लिखना है। पेज आपको या ये वाला आंसर है, ये छोटा सा डेरिवेशन है, यूजुअली बच्चे इसको निगलेक्ट कर देते हैं बिकॉज हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे करा देती हूँ। पाई इज इक्वल्स टू एन टू आर टी बाई वी, ये हमारे पास था। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाता है मास अपॉन मोलार मास। सल्यूट के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख दूंगी W2/m2, ये तो आपने देख ही रखा है। फिर इसके अलावा क्या आ जाएगा बेटा, इसके अलावा आप क्या कर दोगे, एन की जगह पे ये वैल्यू डाल दोगे, मतलब आपका जो पाई है एज इट इज इट विल बी W2/m2 इंटू RT, और यहाँ पे आ गया आपका V, ये हो गया। अब बेटा यही तो आपका डेरिवेशन था जो आपको करना था। अगर अब मुझे मोलार मास निकालने बोला है तो मैं M2 को उधर डाल देती हूँ। M2 इज नथिंग बट इट इज अ मास ऑफ अ सॉल्यूट, राइट, और यहाँ पे आपका पाई आ जाएगा, ये पाई नीचे आ जाएगा, तो यह विल बी W(RT)/π(V)। तो बेटा इसका आंसर आपको मिल रहा है पेज नंबर 40 पे, और अगेन इसका 2.10.5। दिस इज वेयर यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेटा ये अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पूछा है, तो वो जो पूरी तरह से राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन की एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होती है, आइडियल सॉल्यूशन का चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो ये मैं इन सबके आंसर्स हैंड रिटन नोट्स में देने वाली हूँ, बट फिर भी इसका आपको आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 32 पे। इसका आंसर बच्चों आपको मिल जाएगा पेज नंबर 32 पे। तो हियर यू हैव टू सी पेज नंबर 32 पे, यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर जो है बेटा ये मिल जाएगा आसानी से, ठीक है बच्चों। एटलीस्ट बेटा दो दो पॉइंट्स लर्न कर लो, एटलीस्ट टू टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स ज्यादा नहीं। बट अगर मैं बोल रही हूं, अगर मान लो ये दो दो मार्क्स के लिए आ रहा है, तो वी कैन जस्ट हैव लाइक हम लोग जो है बच्चा इसके 4 पॉइंट्स कर लेते हैं। हालांकि पॉइंट्स बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो नाउ इट्स ऑल अप टू यू। गिव टू पॉइंट टू एक्सप्लेन वाई वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज लोवर्ड बाई डिजोल्विंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन इट। पूरे चैप्टर में तो यही पढ़ रहे थे बेटा हम, कि क्यों वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में डालने के बाद। तो जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, बेटा मैं उसके लिए अपने टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को भेजूंगी, मेरे टेलीग्राम का चैनल जो 12th स्टैंडर्ड के लिए होगा, उस पे आप लोगों को, तो मैं इसी वीडियो के कमेंट, इसी चैनल के कमेंट में डाल दूंगी, इसी कमेंट के इसी वीडियो के कमेंट में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डालूंगी, विच विल बी फॉर क्लास 9th एंड 10th। और वहां पे आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, तो मैं आप लोगों को वहां पे हैंड रिटन नोट्स इसके दे दूंगी। ओके, हाय अशोक, आई एम वेरी गुड बच्चों। लेकिन बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर लेना बेटा, प्लीज कर लेना। ओके, तो बेटा जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को डालते हो, वो इवोपरेशन को ब्लॉक कर देता है। जब नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को डाला जाता है, तो हमने ये सब पढ़ रखा है बेटा, ये मेरा एक बीकर है, ये इसके ऊपर वाली लेयर है। अब जब मैं सरफेस पे जाती हूँ, मतलब जब मैं यहाँ पे जाऊंगी मान लो, तो इसमें अगर कुछ नॉन वॉलेटाइल, जैसे कि ये मैंने जो बोल्ड कर दिया, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो इसके थ्रू तो वाटर बाहर जाएगा नहीं, और क्योंकि इसके थ्रू वाटर बाहर नहीं जाएगा, तो यहां पे अल्टीमेटली वेपो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस विल रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ वेपो प्रेशर। गिव एनी टू पॉइंट टू एक्सप्लेन वाई वेपो प्रेशर इज लोअर्ड, बिकॉज सर्फेस पे नॉन वॉलेटाइल सल्यूट आ जाता है और वो इवोपरेशन को क्या कर देता है, रोक देता है। इन वॉट वे के एफ एंड के वी आर सिमिलर, इन वॉट वे दे आर डिफरेंट। बेटा पूछ क्या रहा है, के एफ और के वी एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है और वो एक दूसरे से अलग क्यों है। ओके, तो
इसका आंसर मैं आप लोगों को, और आप ढूंढने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ KF और KB के बीच का आंसर, बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और फिर टाइम ना लगे आप लोगों का, उस हिसाब से मैं यहाँ पे आप लोगों को ये आंसर लिख देती हूँ। ठीक है बेटा, देखो KB जो आपका KB है, इट इज इक्विलिब्रियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक। KB क्या है? इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और KF इज नथिंग बट इट इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ये आपका क्या है? ये है आपका क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ये इक्विलिब्रियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट मतलब KB आपको क्या बता रहा है? द रेशियो इन राइस, द रेशियो ऑफ, सॉरी, द रेशियो ऑफ राइस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या बता रहा है बेटा आपको? रेशियो ऑफ मोलैरिटी के बारे में रिलेशनशिप बता रहा है। तो ये आपका इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है। और क्रायोस्कोपिक में क्या आता है? इट इज अ रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो KB इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है, ये उसके बॉइलिंग पॉइंट के राइस के बारे में बता रहा है। KF फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट है और ये उसके लोअरिंग के बारे में बता रहा है। तो एक जगह पे जहां वो राइस के बारे में बता रहा है, दूसरी जगह पे वहीं वो लोअरिंग के बारे में बता रहा है। तो ये एक पहला डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि एक राइस के बारे में बता रहा है, मतलब एक कैसे वैल्यू ऊपर जा रही है उसके बारे में बता रहा है, और दूसरा वैल्यू कैसे कम हो रही है उसके बारे में बता रहा है। बट अगर मैं देखूं KB इज नथिंग बट इट इज डेल्टा TB बाय M, वो उसको आप किससे डिवाइड कर रहे हो? मोलारिटी से डिवाइड कर रहे हो। और सिमिलरली KF जो है वो उसका क्या आ जाएगा? डेल्टा TF बाय B, मतलब हम बाय M। तो हम दोनों ही केस में उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? सॉल्यूशन की मोलारिटी से कर रहे हैं। तो ये एक इसके बीच में कॉमन पॉइंट है बेटा। ये आप ऐसे ही आंसर लिख दोगे, यू आर गोइंग टू गेट कंप्लीट मार्क्स। तो ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों? मैंने वहां पे लिखा दिया क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया KF और KB के बारे में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, और आई गेस नाउ इट्स अ न्यूमेरिकल, जहां पे बोला है कैलकुलेट दी न्यूमेरिकल का सोल्यूशन, का सोल्यूशन मैं कल लाऊंगी। न्यूमेरिकल के सोल्यूशन का सोल्यूशन बच्चा लोग मैं कल लेके आऊंगी, और ये भी न्यूमेरिकल है 5, 6, इनके सोल्यूशंस आपको कल मिलेंगे। और बच्चों आप किसी भी अच्छे से नोटिफिकेशन को मिस ना करो, उसके लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। एग्जाम्स तक आप लोगों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे बच्चों। थैंक यू। और मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, जिसमें मैं चैप्टर वाइज आपको हैंड रिटन नोट्स देने वाली हूँ। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना। Derive the expression for molar mass of solute in terms of boiling point elevation of solvent. Derive the expression for molar mass of solute in boiling point elevation of solvent. तो बेटा ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। वैसे तो इसका मैं आप लोगों को पेज नंबर बता देती हूँ, बिकॉज अगेन इट इज अ बिग क्वेश्चन, तो उसको यहाँ पे तो नहीं, लेकिन मैं अपने हैंड रिटन नोट्स में ये सारी चीजें भी देने वाली हूँ। पेज नंबर बच्चा, पेज नंबर 36 पे 2.8.3, पेज नंबर 36 के 2.8.3, इसको लिख लो साइड में, यहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर बोला है एक्सप्लेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ थिस्टल ट्यूब। थिस्टल ट्यूब के हेल्प से ऑस्मोटिक प्रेशर आप क्या करोगे बच्चा? एक्सप्लेन करोगे। तो बेटा थिस्टल ट्यूब में ना
और नॉर्मली नहीं बट एक ट्यूब होता है गोल सा, ये आपका थिस्टल ट्यूब होता है, नीचे की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा होता है, यहाँ पे सुक्रोज का सोल्यूशन होता है, यहाँ पे पानी होता है, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऐसा होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो इसका सोल्यूशन बेटा ये वाला जो है ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 39 पे। योर आंसर विल बी, एक सेकेंड बच्चों, ओके, तो इट विल बी पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 पे, और इट विल बी 2.10.2। अभी मैं थोड़ी देर में इसी कव चैनल के नीचे अपने यूट्यूब टेलीग्राम का न्यू लिंक डालूंगी, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, जहां पे बच्चा मेरे हर एक चैप्टर का, पूरे चैप्टर्स का एक साथ में तो नहीं बेटा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गेट दोस टाइम, बट हाँ हर दिन एक एक चैप्टर का हैंड रिटन नोट मैं आपको 100% दे दूंगी, तो ये आप लोग जो है यहाँ से कर सकते हो। फिर पूछा एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का फिनोमिना एक्सप्लेन करो, तो व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से अगर कोई चीज हाइयर कॉन्सेंट्रेशन पे फ्लो करती है तो ये ऑस्मोसिस होता है। बेटा ऑस्मोसिस का हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑस्मोसिस क्या है वो पूछना चाहे, वो जो है चाहे वो जो है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हर एक चीज का आंसर आपको यहीं पे, ऑस्मोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसके अलावा मैं बता दूं तो यू विल गेट दिस सॉल्यूशन ऑन पेज नंबर 39 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, 2.10.1, 2.10.1। मैम आई हैव वन डाउट, बैंक क्वेश्चन बैंक इज इंपॉर्टेंट और नॉट? बेटा देखो राज, क्वेश्चन बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, पहले आपने क्या करना है, पूरे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेना है, अब उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो हम और भी पढ़ सकते हैं, बट बेटा क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी अगर आप इतना भी करके जाते हो 80% प्लस मार्क्स आपके 100% श्योर है। तो व्हाट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी बेटा, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो बच्चा आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसमें हम लोगों को क्वेश्चन बैंक को ही करना है, गवर्नमेंट ने क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया है, मतलब अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, तो प्लीज डू नॉट नेगलेक्ट दिस क्वेश्चन बैंक। आपको तो बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ, एक प्रिंट आउट निकाल लो क्वेश्चन बैंक का, एक प्रिंट आउट निकाल लो क्वेश्चन बैंक का, और क्वेश्चन बैंक का प्रिंट आउट निकाल को उसको लाइन से पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, एंड व्हेन यू आर लेफ्ट विथ मोर टाइम तो कुछ और भी कर लो, मैं उसके लिए तो नहीं मना कर रही हूँ, बट यस क्वेश्चन बैंक तो करना है तो करना है बेटा, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन छोड़ के बिल्कुल भी जाना नहीं है। यास्मीन बेटा सोल्यूशन तो टेलीग्राम पे ही मिल पाएगा, और कोई दूसरा सोर्स तो है नहीं जिसके थ्रू मैं आपको दे पाऊँ। ओके अभी देखो क्या दिया हुआ है, विद दी हेपर विद दी हेल्प ऑफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर कप फॉर अ सोल्यूशन एक्सप्लेन व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन इज एलिवेटेड व्हेन नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन इट। बेटा जब हम लोग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को डिजॉल्व कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट क्यों हो जाता है, बिकॉज इट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इनडायरेक्टली, वैसे ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया हुआ है थोड़ा सा, बट इसका आंसर इज नथिंग बट इट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और बच्चों ओनली ऑन टेलीग्राम बेटा, ओनली ऑन टेलीग्राम, ओनली ऑन टेलीग्राम, नोवेयर एल्स इट्स पॉसिबल। वैसे टेलीग्राम एक छोटा सा ही एप्लीकेशन है, तो बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बता दूँ, व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका आंसर है, राइट? तो आपको ये क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, बट अगेन इट इज नथिंग बट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका एक अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके इसके अलावा बेटा ये न्यूमेरिकल्स है, ये दोनों न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स के लिए मैं यूट्यूब पे सॉल्व वीडियोस लेके आने वाली हूँ, तो जस्ट रिलैक्स, न्यूमेरिकल्स की टेंशन मत लो, व्हेन आई एम हियर तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम बायोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, आज 7 चैप्टर्स डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज अदरवाइज इट विल बी अ वेरी लॉन्ग सेशन, और कल हम लोग जो है
इट इज नॉट नेसेसरी टू डू डिलीटेड क्वेश्चंस बिकॉज दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन बैंक. राज आई विल सजेस्ट प्लीज बेटा डू अ होल क्वेश्चन बैंक. आई सजेस्ट डू होल क्वेश्चन बैंक बिकॉज आई डोंट इतना टाइम ढूंढने में कि इतना टाइम ढूंढने में कि ये है डिलीटेड पोर्शन या नहीं आई गेस उतने टाइम में हो जाएगा. अब क्वेश्चन बैंक में दिया है तो इसमें से अगर मान लो पूछ भी लिया तो आई फील डू नॉट टेक रिस्क. डू नॉट टेक रिस्क और आपको बच्चा करके जाना है. ओके आपको करके जाना है तो प्लीज ये अभी जो है क्वेश्चन बैंक में इसको तो 100% नहीं, मैं तो बोल रही हूँ 110% अच्छे से करके जाना है. तो प्लीज अगर क्वेश्चन बैंक दिया है उसकी वैल्यू करो यार, उसकी वैल्यू करो. MCQs में नहीं डिस्कस कर रही हूँ. MCQs ऑल्दो दिया हुआ है, इट्स अ सिंपल MCQs. मैं इसके सॉल्यूशंस जो है न्यूमेरिकल बेस्ड वो मैं आप लोगों से जो है अपने अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करूंगी. लेट्स गो टू द वेरी शॉर्ट आंसर बिकॉज हमारे पास, मेरे पास तो फिर भी है, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन बच्चों को पता है मैम के पास भी टाइम नहीं है. राइट आशीष, मैम इज वेरी बिजी. आशीष को अच्छे से पता होगा. नेम द बफर विच इज यूज टू मेंटेन पीएच ऑफ 8 to 10. कौन सा ऐसा बफर सॉल्यूशन है जिसका हम यूज करते हैं पीएच 8 to 10 को मेंटेन करने के लिए. ओके फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कटायन 3A ग्रुप इन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस. अभी तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक मार्क का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को आंसर यहीं पे दे देती हूँ. हम लोग यूज करते हैं NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ साथ में NH4Cl का सॉल्यूशन, NH4Cl का सॉल्यूशन. तो इसी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. आशीष कौन है, ये आशीष को ही पता होगा, वो मेरा स्टूडेंट है बाय द वे अन अकेडमी का. तो आशीष इज नथिंग बट यस, बच्चे कंफ्यूज हो गए आशीष कौन है. ओके तो बच्चों एक और रिक्वेस्ट यार, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना फटाफट. मेरे भी आपके एग्जाम से पहले पहले तक 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कराओ बच्चा लोग, और मैं आप लोगों को सॉल्यूशन, हैंड रिटन सॉल्यूशन सारी चीजें प्रोवाइड करती जाऊंगी. नेम द बफर सॉल्यूशन विच इज यूज टू मेंटेन. आपका आंसर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड. बच्चा सीधा सीधा आंसर लो, ज्यादा टेंशन मत लो. ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया. दूसरा, चलो दूसरे को यहाँ पे सॉल्व करते. बोला राइट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरेंजली सॉल्युबल Bi2S3. Bi2S3 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो. Bi2S3 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो. बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी KSP. पहले तो अगर हम लोग बात करें, ओके पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं, आपको लिखना है Bi2S3. ये लिख दिया. अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको मिल जाएगा 2Bi विथ 3+ पॉजिटिव चार्ज प्लस 3S2-. ये आपका हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है बेटा, अब इसमें आपने अगर KSP निकाला, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाला, तो यू विल गेट Bi3+ और यहां पे आपको आ जाएगा S2- और पावर में इसके 3. तो बेटा इतना ही आंसर है, फटाफट लिख लो, टेंशन लेने की क्या जरूरत है. मैं करूं मिस हजार, यस प्लीज अशोक, प्लीज प्लीज प्लीज. अन अकेडमी, क्या नाम है आपका अन अकेडमी इटसेल्फ? अन अकेडमी का अपना ही बहुत नाम है बेटा, अब अन अकेडमी का और क्या नाम होगा. राइट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरेंजली सॉल्युबल सॉल्ट इन Bi2S3. बेटा ये आंसर है KSP इज इक्वल्स टू Bi विथ 3+ चार्ज. हाँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, माझा टेलीग्राम चैनल वर तुम्हाला सॉल्यूशन चे हैंड रिटन नोट मिलणार आहे. होप ते पण माझे राईट. क्या ये लाइव लेक्चर के बाद वीडियो रिपीट होगा ना? हाँ बिल्कुल रिपीट होगा. राइट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है. फिर उसके बाद दिया हुआ है व्हाट इज द पीओएच ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन. बेटा ये एक न्यूमेरिकल है, कल 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 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. कल न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल हम लोग परसों सॉल्व करेंगे. न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू सॉल्व डे आफ्टर टुमारो, बट कल हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन लेंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन हो गया तो परसों हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे.
बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार जाते जाते, और वीडियो को भी लाइक करते जाना बेटा। 1,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरे करवा दो मेरे भी। ओके तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार सल्युबिलिटी एंड प्रोसल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर CaF2। CaF2 अभी ये थोड़ा सा बड़ा है बेटा, मैं लिख देती हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आफ्टर दिस सेशन। हाँ बट ये सेशन अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना, 2-3 घंटे का, तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CaF2, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट। मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, ये डिसोसिएट होगा, ये आपको दे देगा Ca2+, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2F-। ओके तो बच्चों यहाँ पे आपका सल्युबिलिटी प्रोडक्ट पहले निकाल लो, जो अभी तुमने Bi2S3 के लिए किया था, क्या आ जाएगा Ca2+ स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे Fe2-। आशीष तुम रेस्ट करो, तुम अभी पेपर दे के आ, तुम्हारे काम का नहीं है बेटा, तो तुम आराम करो। Fe2-, और यहाँ पे इसके पावर में आ गया 2। बेटा यहाँ पे आपकी x की वैल्यू है 1, मतलब इसके पावर पे 1 है, और y के पावर पे है 2। ओके सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के लिए आपको आ जाएगा KSP। मैम टुमारो फिजिक्स क्वेश्चन, बेटा फिजिक्स क्वेश्चन के लिए एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो, फिजिक्स वर्ल्ड बाय तबस्सुम चौधरी। फिजिक्स वर्ल्ड बाय तबस्सुम चौधरी, अभी मत जाना, मेरे लेक्चर के बाद जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल मैम सॉल्यूशंस के साथ फिजिक्स लेके आ रही है, मैं केमिस्ट्री और बायो करवा दूंगी, बस आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा। फिजिक्स वर्ल्ड बाय फिजिक्स वर्ल्ड बाय तबस्सुम चौधरी, ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको फिजिक्स का नोट मिल जाएगा। मैम भी पूरा ही देने वाली है, एक्स पावर एक्स पे वाई के पावर पे वाई, और SX+Y, ये पूरा फॉर्मूला होता है, और आपको वैल्यू मिल जाएगी 4S3। तो बेटा इसका ना एक बार मैं बोलूंगी, प्लीज आप लोग इसको टेक्स्ट बुक में भी देख लेना, बिकॉज ये टेक्स्ट बुक में आपको अभी इसके लिए पूछा गया, बट आगे चल के किसी के लिए भी पूछ सकता है। पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 आयोनिक इक्विलिब्रिया के है। CF2 दिया है ना क्वेश्चन बैंक में, मान लो कि बाद में कोई और प्रोडक्ट पूछ ले तो फिर क्या करोगे? तो इसके लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरे 800 सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए बच्चों, और फटाफट इसको 1,000 करना है बच्चों, वो भी सिर्फ और सिर्फ आप लोग कर सकते हो, राइट? तो बेटा अगला क्या दिया हुआ है, गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट डिराइव फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस। एसिड वीक, एसिड वीक मतलब बच्चा चलो हम लोग एसिड वीक ले लेते हैं, एसिटिक एसिड, ये तो अपना सबसे फेवरेट वाला वीक एसिड है, और साथ साथ में वीक बेस हो गया NH4OH, इसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव मिस नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है अबू बकर? ओके नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बेटा, क्या नहीं दिख रहा है? फिजिक्स के लिए फिजिक्स वर्ल्ड बाय तबस्सुम चौधरी, उस पे आप लोगों को सॉल्यूशंस मिल जाएगा, कल से शुरू होगा। ओके अबू बकर तुमको क्या नहीं दिख रहा है? मैं नहीं दिख रही हूँ, या मेरी आवाज नहीं आ रही है, या मैं मिस इंडिया हो गई हूँ? सॉल्व टू, क्या नहीं दिख रहा है बेटा? इधर देखो, गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट डराइव, तो आपका सॉल्ट हो जाएगा CH3COONH4, ये आपका सॉल्ट है बेटा, ये आपका सॉल्ट है भैया, साथ में पानी भी बनेगा, बट अपने को पानी नहीं, अपने को सिर्फ सॉल्ट से मतलब है, तो यहाँ पे लिख दो इतना सा वर्ड और ले जाओ अपने पूरे के पूरे 1 मार्क्स। भाई 1 मार्क्स की बहुत वैल्यू होती है बोर्ड एग्जाम में, बहुत वैल्यू होती है। मेरा टेलीग्राम का चैनल 12th स्टैंडर्ड के लिए अलग होगा, मैं भी आप लोगों को बताऊंगी, इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी। राइट दी फॉर्मूला टू कैलकुलेट पीएच ऑफ अ बफर सोल्यूशन। पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कैसे निकालोगे बेटा? तो उसका फॉर्मूला होता है, चलो मैं उसका फॉर्मूला अब भी लिख देती हूँ ताकि आपको मिल जाए। पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू दी बेस 10, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा H+ आयंस। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, नहीं होगा
एच प्लस आयंस, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन कॉन्जुगेट एसिड बेस और ये क्वेश्चन, ये आपको मिल जाएगा कल मेरे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन पे। हियर यू विल गेट फिजिक्स, फिजिक्स वर्ल्ड बाय तबस्सुम चौधरी पे आपको फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री बाय आरसी पे आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलेगा। आप लोग बोलोगे तो मैथ्स भी ले आएंगे, और नहीं होगा तो मराठी भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। बस फटाफट इसको 1,000 सब्सक्राइबर्स बच्चों, आप लोग ही कर सकते हो, आप लोग ही करोगे, है ना बेटा। और बच्चा लोग वीडियो को लाइक भी करते जाना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ओके, आपका यूट्यूब चैनल है? मेरा यूट्यूब चैनल है आशीष किस। एनीवेज बेटा, कैलकुलेट ये न्यूमेरिकल है। टुमारो 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 नहीं, लेकिन डे आफ्टर टुमारो इसका सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि कल तो फिजिकल केम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, इसका भी सोल्यूशन कल मिलेगा। चलो, अभी बोला है क्लासिफाई दी फॉलोइंग स्पीशीज इनटू ल्यूविस एसिड। चलो, इस तरफ ये बना लिया ल्यूविस एसिड, इस तरफ बना लिया ल्यूविस बेस। अब फटाफट देखते हैं इसमें से ल्यूविस बेस कौन सा है। क्लोरीन आपका ल्यूविस बेस है, और NH3 आपका ल्यूविस बेस है, ठीक है बेटा। NH4+ और BCl3 आपका हो जाएगा ल्यूविस एसिड। फटाफट आंसर लिख लो, ज्यादा दिमाग, ज्यादा खुद को टेंशन देने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा। वैसे बच्चों कमेंट करके ये बताओ, मेरे 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाओगे ना आप लोग? अभी देखो, इट इज 805 हो गए हैं, बस बस थोड़ा सा ही बाकी है, और आप लोगों का साथ होगा तो एक कल परसों तक 1,000 हो जाएगा। डिफाइन पीएच, व्हाट इज पीएच? बेटा पीएच के लिए इसका फॉर्मूला याद कर लो, पीएच इज इक्वल्स टू -log(2)10, और यहाँ पे आ जाएगा H+। अब इधर ही से डिफिनेशन बनाते हैं। मैडम जल्दी हैंड रिटन, उदिया उदिया टुमारो टुमारो वन चैप्टर, डे आफ्टर टुमारो वन चैप्टर, अशा मी तुम्हाला एक एक चैप्टर चे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करणार आहे। मला छान मराठी येत आहे आता। अभी पीएच को क्या लिखेंगे बेटा? पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस। बट ये फॉर्मूला देखो और उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिख दो। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ एच प्लस आयंस। व्हाट इज पीओएच? पीओएच क्या होता है बच्चों? तो सेम यही पीओएच का फॉर्मूला होता है माइनस, अच्छा इधर नहीं दिख रहा होगा, उधर तो मैं छिपकी रहूंगी। पीओएच का फॉर्मूला होगा -log(2)10, और यहाँ पे आ जाएगा OH माइनस आयंस। तो पीओएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयंस, ऑफ OH माइनस आयंस, ठीक है बेटा। तो आपको ऐसे ही इसको क्या करना है, कर देना, लिख देना। अब अगला सवाल पूछा है डिफाइन मोलार सॉल्युबिलिटी। सवाल पूछा है डिफाइन मोलार सॉल्युबिलिटी, पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 पे सेकेंड हाफ पे बोल्ड लाइन में दिया हुआ है। पेज नंबर 58 पे सेकेंड लाइन में, सेकेंड उसमें बोल्ड लाइन में दिया हुआ है। राइट इट्स यूनिट, यूनिट में बताती चलती हूँ, वैसे मैं बता भी देती हूँ। मोलार सल्यूबिलिटी जो होता है, इट इज सल्यूबिलिटी सल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ ग्राम पर मोल। यही आपका सॉल्युबिलिटी है, यही बच्चा आपका सॉल्युबिलिटी है। नहीं, मोलार मास, और इसका यूनिट आ जाएगा ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास आ गया सॉल्युबिलिटी। ओके बच्चा लोग, तो आप लोगों को पेज नंबर 58 पे इसका आंसर दिया हुआ है, और आपको पेज नंबर 58 पे इसके आंसर्स को लिखा हुआ मिल जाएगा, और आपको फटाफट क्या करना है, लिख देना। ओके बच्चों, अभी चलो अगला सवाल देखते, क्या पूछा है। राइट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेरेंशियली सॉल्युबल सॉल्ट प्रोडक्ट, BSO4 का ना। चलो मैं इधर बता देती हूँ, BASO4 इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बेटा ये डिसोसिएट होगा ना बच्चा, जैसे नहीं लॉ ऑफ मास एक्शन करते थे, बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा।
BA2+SO4 2-, तो इसका जो सल्युबिलिटी प्रोडक्ट है मतलब केएसपी, सल्युबिलिटी प्रोडक्ट को बोलते हैं केएसपी। स्क्वायर ब्रैकेट BA2+ और यहाँ पे SO4 2-, बस बेटा हो गया तुम्हारा काम पूरा। ये आ गया आपका सल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये आ गया आपका सल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और CF2 के लिए पूछा, अभी CF2 के लिए थोड़ा सा चेंज होता है CAF2, ठीक है। तो इसका रिवर्सिबल एरो, सल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन का होगा, CA2+F-, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2। तो इसका जो सल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा KSP, इट विल बी CA2+ और यहाँ पे आ जाएगा F- और यहाँ पे 2। संकेत जादव इज सेइंग नो, पर बेटा आप नो किस बात के लिए बोल रहे हो, जरा मैं भी जानना चाहती हूँ क्या क्या हो गया है आपको, इतना सारा नो बोल रहे हो। हाँ बच्चा कड़ला, ओके। तो ये आपका हो गया सल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बच्चों वैसे ये पेज नंबर 58 पे सल्युबिलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए हुए, एक तो सजेशन दूंगी उसको पढ़ लो। बफर सल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सल्यूशन जो चेंज इन अ पीएच को रेजिस्ट कर जाए। मैं जब क्लासरूम्स में पढ़ाती हूँ तो मैं तो पीडीएफ दो ना, पीडीएफ तुम मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा पर चैप्टर का, और उसके लिए आपको मैं लिंक अपने इस वीडियो के नीचे डालने वाली हूँ, तो आपको ये वीडियो कल तक अवेलेबल हो जाएगा और मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। पर चैप्टर विद सॉल्यूशन मैं डाल दूंगी बेटा, पर चैप्टर विद सॉल्यूशन। डिफाइन बफर सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन व्हिच कैन रेजिस्ट अ स्मॉल चेंज इन अ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, व्हिच रेजिस्ट अ स्मॉल चेंज। तो पेज नंबर 55 पे, पेज नंबर 55 का सबसे लास्ट के चार लाइन बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। पेज नंबर 55 के सबसे लास्ट लाइन पे बफर सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है। राइट एप्लीकेशन ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग बफर। चलो इसको हम लोग अभी के अभी कर लेते हैं, इसको हम अभी के अभी कर लेते हैं। ये वाला जो आपका बफर है ना HCO3, अभी बच्चा इसका आंसर आपको बेसिकली कहाँ पे मिल जाएगा, तो इसका आंसर जो है आपको ये मिलता है हमें पेज नंबर 56 पे, और आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको इसके आंसर पूछे। तो पहला जो हमें दिया हुआ है सिट्रेट बफर, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिट्रेट बफर। सिट्रेट बफर हमको कहाँ पे मिलेगा बेटा, तो सिट्रेट बफर इज नथिंग बट इज बाय एडिशन ऑफ सोडियम सिट्रेट। तो हम इसको कहाँ पे ऐड करते हैं अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, तो इट इज एडेड इन मेडिसिन्स, दवाइयों में इसका यूज किया जाता है। ओके, पेनिसिलिन प्रिपेरेशन में, जो आपके पेनिसिलिन होती है ना बच्चा दवा वाउंड्स पे लगाने के लिए, जख्मों पे लगाने के लिए, उसमें इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा HCO3- और H, आपका यूट्यूब चैनल है बेटा, मेरा ही तो यूट्यूब चैनल है ये, और मैं कहाँ हूँ, ये मेरा ही यूट्यूब चैनल है, बहुत गरीब सा है, इसको फटाफट 1000 सब्सक्राइबर्स आप लोग पूरे करवा दो। और ये आपको हो जाएगा HCO3-H2CO3, ठीक है बच्चा। तो इसका जो आंसर है ना बेटा, ये हो जाएगा पीएच ऑफ ब्लड, इसका आंसर हो जाएगा पीएच ऑफ ब्लड। ये हमारे बॉडी के पीएच, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आज आपने नींबू खा लिया तो आपका ब्लड भी एसिडिक हो गया, और आपने करेला खा लिया तो आप बेसिक हो गए, नहीं बेटा, आपके ब्लड का पीएच ऐसे ही मेंटेन रहता है और उसको ये कराता है। लास्ट में है NH4OH और NH4Cl, अभी हम लोग ने इसके थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। Precipitation of cations, precipitation of cations, बेटा समझ के चलो कल सॉलिड स्टेट का मिल जाएगा, परसों सॉल्यूशंस का मिलेगा, और जिस दिन मेरे पास ज्यादा टाइम होगा उस दिन दो दो तीन तीन चैप्टर का दे दूंगी, तो ऐसे मैं ऑल दो सारे ही दे दूंगी। ओके, बट बच्चों सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना।
बेटा मुस्कान, मेरे टेलीग्राम के चैनल पे कल से आपको सॉल्यूशंस, हैंड रिटन सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। बोला है, डिराइव द इक्वेशन व्हिच इंप्लाइज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ये आप सबने पढ़ रखा है, ये आप सबने पढ़ रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन देख के ऐसा लगेगा भाई ये क्या पूछ लिया, ये तो हमने करा नहीं है। बेटा ये कुछ नहीं है, ये क्या पूछ रहा है कि डिराइव द रिलेशनशिप विच इम्प्लाइज दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा इसके लिए आंसर है ऑस्टुअल्स डाइल्यूशन लॉ ऑफ वीक एसिड। और क्या, डाइल्यूशन लॉ ऑफ वीक एसिड, ये आपके ऑस्टुअल डाइल्यूशन लॉ ऑफ वीक एसिड का ही आंसर है और कोई नहीं है बच्चा। तो सिर्फ ऑस्टुअल लॉ दिया हुआ है तो समझो इट इज नथिंग बट इट इज योर ऑस्टुअल डाइल्यूशन लॉ ऑफ वीक एसिड। अब ऐसा क्या होगा एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ ले तो हम लोग को लगेगा भाई ये तो बाहर का क्वेश्चन आ गया, ये हमने पढ़ नहीं रखा है। बट नहीं नहीं बच्चा, ये आपने बिल्कुल पढ़ रखा है, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसको याद से देख लेना। क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछता है, सीधा सा ऑस्टुअल डाइल्यूशन लॉ को घुमा फिरा के पूछ दिया। ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग करेंगे। आपको पीएच और पीओएच के बीच में क्या पूछा है, डेरिवेशन पूछा है कि रिलेशनशिप निकालो पीएच और पीओएच का क्या होता है। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन विल बी 3.6.1। डिराइव द इक्वेशन पीएच एंड पीओएच ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा, तो ये आपको क्या आ जाएगा, ये इसका डेरिवेशन दिया हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये तो नाइन्थ के बच्चों को भी आता है, वो जो पानी में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो पूरी तरह से डिसोसिएट ना हो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा ऐसा कुछ आपको दे रखा है और आपको फटाफट वो सारी चीजें जो है वो कर लेनी है। ठीक है, ये आयोनिक इक्विलिब्रिया क्या चैप्टर शुरू होते ही फर्स्ट पेज पे है, चैप्टर के फर्स्ट पेज पे है। इफ एस इज अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये देखो ये फिर से वही सवाल CF2 और BSO4 का घुमा फिरा के पूछा। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डेरिवेशन जो आपको दिया हुआ है इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 58। आपको ये क्वेश्चन पेज नंबर 58 से कर लेना है 3.9.2 पे। ओके, 3.9.2 पे कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3+ आयन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक हुज पीएच। ये न्यूमेरिकल है, इसका डेफिनेशन और इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को कल दे दूंगी, कल परसों तक दे दूंगी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन और आपको इसका निकालना है सॉल्यूशन। क्या निकालना है बच्चा, डेफिनेशन। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, इनके डेरिवेशन जो है ये आपको पेज नंबर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मिल जाएगा अराउंड पेज नंबर 58 पे, और हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट जो है आपने बहुत सारे सॉल्ट किए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक बेस, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का मिल जाएगा पेज नंबर 53 पे। पेज नंबर 58 एंड 53, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, कितना बड़ा लेक्चर है बेटा, अभी टॉपिक ही बड़ा है तो क्या कर सकते। अभी सिर्फ चैप्टर नंबर 6 तक आज करवाऊंगी और उसके बाद में डिस्कस करेंगे। MCQs नहीं डिस्कस कर रही हूँ, MCQs नहीं डिस्कस कर रही हूँ, फर्स्ट का टेम्परेचर एंड ऑल दैट, नहीं तो लेक्चर और बड़ा हो जाएगा। अभी आपको थर्मोडाइनामिक्स दिया हुआ है, थर्मोडाइनामिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे। राइट द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क का एक्सप्रेशन पूछा है। फॉर व्हेन वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम V1 to V2, ये पूछा है ना बेटा। मैक्सिमम वर्क का क्या होता है, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log to the base 10
और ऊपर आ जाएगा वी टू बाई वी वन, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया किसका, डब्ल्यू मैक्स का। बस बेटा ये एक्सप्रेशन ही निकालना है, एक मार्क का क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। राइट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है फॉर अ गैस। तो हमने निकाला है ना बेटा डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सिर्फ आपको ये इक्वेशन लिखना है, ये आपका सेकेंड का सोल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, फिर क्या बोला, ये न्यूमेरिकल है, ये मैं आप लोगों को कल परसों तक दे दूंगी। राइट द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। टोटल एनर्जी ऑन यूनिवर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, एनर्जी दो ही फॉर्म में लूज की जा सकती है, इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट या तो फिर इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ये आपने निकाला, अब इसका क्या बोला है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। बेटा आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो अगर आपका क्यू ये यू जीरो हो गया तो इट विल बी क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर क्यू प्लस डब्ल्यू है तो क्यू इज नथिंग बट माइनस डब्ल्यू, या तो फिर आप लिख सकते हो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। बस इतना सा ही करना है बच्चों, इतना सा ही करना है, दिस इज वॉट यू आर सपोज टू राइट डाउन। ठीक है, तो बेटा ये एक चीज करनी है, बट याद दिला दूं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा लोग तो प्लीज कर लेना, प्लीज कर लेना। ठीक है, और अगर कर लिया है तो बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, और वो भी कर लिया है बच्चों तो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लोज द डोर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके, व्हाट इज द साइन कन्वेंशन व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, व्हाट इज द साइन कन्वेंशन। बेटा मान लो ये मेरे पास एक सिस्टम है, ये मेरे पास एक सिस्टम है। ठीक है, तो अगर वर्क इज डन, इसके केस में आपको क्या दिया हुआ है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो वर्क विल बी पॉजिटिव। और यहाँ पे आपके सिस्टम को क्या मिलेगा, काम सराउंडिंग कर रहा है, मतलब एनर्जी किसको मिल जाएगी, आपका प्लस क्यू हो जाएगा। तो इट विल बी वर्क इज डन बाय ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है और हीट सिस्टम क्या कर रहा है, खुद एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चों, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है बेटा, राइट द एक्सप्रेशन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी फॉर गैसियस रिलेशन। तो यही रिलेशनशिप है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन डेल्टा एन जी प्लस आर टी, दिस इज द रिलेशनशिप विच यू कैन गेट। अभी थर्मोडायनामिक्स का हमने एक पार्ट कर लिया, फिर क्या पूछा है बेटा, थर्मोडायनामिक के न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, बिकॉज ये आपके एग्जाम्स में, मतलब देखा जाए तो थर्मोडायनामिक्स तो जान है यार पूरे केमिस्ट्री की, तो बस आपको थर्मोडायनामिक्स के बट इतने इजी न्यूमेरिकल्स है ना बेटा, जिस दिन सॉल्यूशन लेके आऊंगी तुम भी बोलोगे क्या मजा आ गया ये न्यूमेरिकल्स करके। सही में इट इज वन ऑफ द वेरी सिंपल। थर्मोडायनामिक्स में कुछ नहीं, कुछ तो 50 तो क्या दिया हुआ है, 50 मतलब 30-40 तो डेफिनेशन है, उसी में से एंथैल्पी ऑफ कंबशन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जितनी ऑक्सीजन लगता है उसी को एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं, राइट। तो ये आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, मैं आप सबके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, और उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है, मैं इसी वीडियो के नीचे कल तक आपको ये वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा, तो बेटा इसी वीडियो के नीचे मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डालूंगी, आपको मेरे लिंक को ओपन करना, मतलब आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और जैसे ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे आपको इसके सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे वन बाय वन। पेज नंबर 77 का 4.10.7 ये आपका हो गया डेरिवेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पहले तो समझना है, सब्लिमेशन क्या होता है, अगर कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना एसिड में आए हुए तो हम उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन।
किसी भी चीज को सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बेटा देखो, जिस तरह से मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी, उसी तरह से एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड बाय तबस्सुम चौधरी। फिजिक्स वर्ल्ड बाय तबस्सुम चौधरी, वो मैम कल से फिजिक्स के सॉल्यूशन लेके आ रही है, तो मेरे यहाँ पे आप लेक्चर अटेंड कर लोगे उसके जाने के बाद। ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फिजिक्स के लिए भी सारी चीजें मिल जाएं, है ना बच्चों? तो फटाफट कर लेना। स्टेट एंड एक्सप्लेन हैस लॉ, लास्ट ईयर भी आया था, हर ईयर आया था। ये बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, और देखा जाए तो मुझे भी बहुत पसंद है। इवन आई लव दिस क्वेश्चन। तो बच्चा कुछ नहीं, फिजिक्स ये हैस लॉ आपको पढ़ लेना। हैस लॉ क्या बोलता है, चाहे तुम काम एक स्टेप में करो या 10 स्टेप में करो, जो एनर्जी लगने वाली है वो सेम लगेगी। पहले तो हैस लॉ का एक ट्राइंगल दिया होता था, ये आपका पाथ है, ये आप इनिशियल पोजीशन होता था, ये आपका फाइनल पोजीशन होता था। हैस लॉ क्या बोलता था, तुम चाहे सीधे ए से बी चले जाओ या इधर से घूमते घूमते जाओ, जो एनर्जी लगनी है भैया वो एनर्जी सेम टू सेम लगेगी। एनर्जी कैसी लगेगी, सेम टू सेम लगेगी। ठीक है बेटा, तो देख लो। राइट द फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस के कुछ फीचर्स होते, ड्राइविंग फोर्स थोड़ी सी ज्यादा होती है अपोजिंग फोर्स के बीच में, हर एक फोर्स के बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन हो जाता है। तो पहले तो मैं आप लोगों को हैस लॉ का पेज नंबर बता दूं, और हैस लॉ का जो पेज नंबर है, ओके मुझे भी ढूंढना पड़ेगा शायद, तो हैस लॉ का पेज नंबर है 80। हैस लॉ इज एट पेज नंबर 80। और इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को ये बता दूं रिवर्सिबल प्रोसेस का फीचर क्या है। तो ये थर्मोडायनामिक्स के बहुत ही स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो हमें रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ाया जा रहा था, और वहीं पे आपको रिवर्सिबल प्रोसेस का फीचर दिया हुआ है। वैसे तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स में इसको डाल दूंगी, बट पेज नंबर 69 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इट विल बी प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 69। ओके कूल गाइस, तो आई गेस आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई रहेगी। बट इसके अलावा बच्चों अभी कमेंट्स भी देख लूं मैं जरा सा, बच्चे कुछ बोल रहे हैं कि नहीं? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है, सारे चुपचाप सुन रहे हो, दिस इज अ सिंसियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। बच्चों एक और बार याद दिला दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना कर लेना कर लेना। ओके बेटा, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, ये डेरिवेशन है। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, कोई भी आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा तो टीचर आपको बोलते देते होंगे बच्चों ये कर लो ये कर लो, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अपने सारे स्टूडेंट्स को यही चीजें बोली थी, आपको आने वाला है उनको डरा डरा के, उनको बता बता के। तो इसका एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 67 पे। यू आर गोइंग टू गेट दिस एट पेज नंबर 67। क्या बात है, पेज नंबर 67 पे मिल गया। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, परसों परसों न्यूमेरिकल मिलेगा भैया। डिफाइन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिससे एनर्जी ना बाहर जा सकती है। मैम पीडीएफ प्रोवाइड करोगी क्या? बेटा मैं वही बोल रही हूँ, एग्जैक्टली इसी वीडियो के नीचे मैं अपने टेलीग्राम का लिंक पोस्ट करूंगी जो क्लास 11th और 12th के लिए होगा, और उस टेलीग्राम पे मैं इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली हूँ, मतलब हैंड रिटन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो और इसके जो अपकमिंग अपडेट्स है वो मैं आप लोगों को अपने कल के वीडियो में भी बताऊंगी, जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी फिजिकल में आज बहुत टाइम चला जाएगा, तो बाकी का हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में मैं कल आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, इनफैक्ट मैं कल चैट सेक्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, और फिर मैं वहां पे आप लोगों को सॉल्यूशंस देते जाऊंगी बच्चों। तो यस मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, बट पूरा हैंड रिटन पीडीएफ के लिए मुझे 2-3 दिन का वक्त लग जाएगा, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड करते जाऊँ। तो यस पीडीएफ मिलेगा, बट उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कल मैं जो टेलीग्राम लिंक दूंगी उसको ज्वाइन कर लेना। डिफाइन एन आइसोलेटेड सिस्टम, बेटा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिससे एनर्जी ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, तो उसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। मतलब सराउंडिंग से ना एनर्जी अंदर आएगी ना सराउंडिंग से एनर्जी बाहर जाएगी, ठीक है? ये डेरिवेशन
सॉरी ये न्यूमेरिकल परसों करेंगे. डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर. द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क. भैया ये डेरिवेशन है मैक्सिमम वर्क का, हर टीचर आपको सुनाती जाती होगी. बच्चों ये डेरिवेशन आने ही वाला है, आने ही वाला है. बेटा डेरिवेशन की खास बात ये होती है ना, डेरिवेशन में मार्क्स नहीं कटते हैं. डेरिवेशन में अगर आपने सीधा सीधा सही सही डेरिवेशन कर दिया, मतलब आपको जो है आंसर्स जो है वो पूरे मिल ही जाएंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. तो डेरिवेशन की ये खास बात होती है. डिराइव द एक्सप्रेशन एंड रिलेशनशिप फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक का मतलब हो गया कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम. आइसोकोरिक का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उसको हम आइसोकोरिक वॉल्यूम बोलते हैं. किसके रिलेशनशिप? डिराइव एन एक्सप्रेशन एंड राइट द रिलेशनशिप. तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के टर्म्स में ही होगा. तो ये आपको किसके टर्म्स में करना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में. डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा बच्चों? तो 1 मोल प्रोडक्ट बनने के लिए, 1 मोल प्रोडक्ट मतलब आपने 1 मोल रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं. वी कॉल इट एज अ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. मैम यू आर म्यूट, आई डोंट थिंक सो. आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही, एनर्जी लगती है उसी को हम एंथैल्पी ऑफ आ रही है बेटा. एक्चुअली इट इज कमिंग ऑन माई सेलफोन मेरे. तो एम आई ऑडिबल? क्या बात है, पेज नंबर 60 एंथैल्पी पे मिल गया. ओके, आई एम नॉट 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 आई एम नॉट म्यूट. मैंने चेक कर लिया है तो आई डोंट थिंक को ऐसा कोई प्रॉब्लम है. बट एनीवेज 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 बच्चों आवाज आ रही है ना? आगे क्या दिया हुआ है? ये न्यूमेरिकल है, ये मैं कल करवा दूंगी. ये न्यूमेरिकल है, मैं ये कल परसों में करवा दूंगी. हैंड रिटन नोट्स मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी आपको. अब जो करना है वो सिर्फ ये कि आपको पढ़ना है. मैम आवाज नहीं आ रही बेटा, आनी चाहिए बिकॉज मेरे देखो. एम आई ऑडिबल? ये मैं कल करवा दूंगी. ये ये सब इज न्यूमेरिकल है, मैं ऑडिबल, ये कल परसों. इट इज ऑडिबल. Anyways, guys, let's come back to the question. Define the following term, enthalpy of vaporization. बेटा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है. मैम पेज नंबर बताइए आंसर के लिए. ओके ओके, अगर ये कौन पूछ रहा है? शिवम. पेज नंबर बेटा इसका ना छोटे छोटे डेफिनेशंस है तो आपको ज्यादा पेज नंबर पे फोकस करने की जरूरत नहीं है. कल परसों तक इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो आप मार्किंग करोगे उससे बेटर है. कि इसलिए मैं हाँ पीडीएफ में दूंगी, पीडीएफ में दूंगी. मुझे लगता है 80 to 90% क्वेश्चंस आ जाएंगे क्वेश्चन बैंक में से. 80 to 90% क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको पीडीएफ में से. और ये बहुत ही अच्छी बात है, यू आर ब्लेस्ड. मैम इट इज फॉर एमएच बोर्ड, इट इज फॉर एमएच बोर्ड, इट इज फॉर महाराष्ट्र बोर्ड, एचएससी के लिए है बच्चों. ओके. Why work done in a vacuum is zero? Work done in a vacuum is zero. क्यों भैया? एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगता है ना वॉक वैक्यूम में, तो वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वर्क डन इन अ वैक्यूम इज जीरो. जैसे कि बेटा अभी नॉर्मली देख लो, जब तक आपके पेरेंट्स आपके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर, जब तक आपके टीचर्स आपके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब तक आप नहीं पढ़ते हो. हालांकि प्रेशर आपके अंदर भी है लेकिन जब तक बाहर से प्रेशर नहीं लगता तब तक हम काम नहीं करते हैं. तो एक्सप्रेशन जो है इसकी वजह से आपको दिया हुआ. एनीवेज, तो वर्क डन इन अ वैक्यूम इज जीरो बिकॉज वैक्यूम में देर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर. वैक्यूम में देर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर. बच्चों याद दिलाते चलो, अगर चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे मुझे बार बार बोलना भी नहीं अच्छा लगता है बट अगर नहीं किया है बच्चा लोग तो कर लेना प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. वॉट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? एंथैल्पी 6 वाला नहीं बताए बेटा, बोली ना वेपराइजेशन क्या होता है. वेपराइजेशन क्या होता है?
एंड एंथैल्पी चेंज अकम्प्लाइंग व्हेन लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस. व्हेन लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट व्हेन लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. तो बताया है मैंने बेटा. और वैक्यूम में क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है. कौन से ऐप से लाइव आए हो? ओबीएस स्टूडियो से बेटा, ओबीएस स्टूडियो से. व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? तो आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 75 पे. इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 75 पे. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है. इंटेंसिव जो डिपेंड नहीं करता है और एक्सटेंसिव जो डिपेंड करता है. तो वो बच्चों जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. जूम कर दूं? इट नॉट विजिबल. ओके, जूम कर दिया. बट फिर वो जूम करने पे आई गेस मतलब कुछ ऐसा भी पोर्शन होगा जो मेरे पिक के नीचे आ जाएगा, इसलिए मैंने जूम नहीं रखा था. एनीवेज, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जो मैग्नीट्यूड पे नहीं डिपेंड करता है. टेल इन मराठी इट्स महाराष्ट्र बोर्ड. हे महाराष्ट्र बोर्ड आहे, मला मराठी येत नाही. हे न्यूमेरिकल, ये जो आपका न्यूमेरिकल है, दिस न्यूमेरिकल इज ऑन हेस लॉ. ये न्यूमेरिकल हेस लॉ के बेसिस पे बेटा करना क्या है ना तुमको, नहीं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिथेनॉल विद द फॉलोइंग डेटा. यस, हेस लॉ के ऊपर है न्यूमेरिकल. टुमोरो बच्चा लोग तुमको न्यूमेरिकल का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो तुम्हारा घबराइची आवश्यकता नहीं. मैम आप कौन से कॉलेज में पढ़ाते हो? मैं कॉलेज में नहीं पढ़ाती हूँ, आई एम नॉट टीचिंग इन अ कॉलेज. बट बच्चा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ओके, बॉन्ड एंथैल्पी. बेटा बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? मान लो ये आपके पास कार्बन है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है. अब आपको इसको तोड़ना है, कार्बन को अलग करना और ऑक्सीजन को अलग करना है. तो जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ बॉन्ड एंथैल्पी. द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी. एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. बेटा ये सोडियम था जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था. सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो सोडियम प्लस बन गया और उसके एक इलेक्ट्रॉन चला गया. तो आपका सोडियम जो पहले एटम था, अब वो क्या बन गया? अब वो आयन बन गया. तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल इट एज अ एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. ठीक है, तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी लगती है, जब वो गैशियस स्टेट में होगा और एक मोल के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. फिर से ये आपका हेस लॉ का न्यूमेरिकल है. लग रहा है इस बार ही हेस लॉ का न्यूमेरिकल पूछेगा ही. या तो हेस मैम क्वेश्चन इसमें से आएंगे क्या? 100% आएंगे, 100% क्वेश्चन इसमें से आएंगे और बिल्कुल आने वाले हैं बच्चों. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टाइम पास के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक दे दिया है. बेटा क्वेश्चन इसमें से आएंगे और डेफिनेटली आएंगे. ठीक है, 80% क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करके चलो. ये न्यूमेरिकल है तुम्हारा, उदय हेचे सोल्यूशन भेटना रहा है. अभी क्या पूछा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है. तो इधर दो चीजें दे रखी हैं बच्चों, हम लोग इसका आंसर अभी के अभी निकाल लेते हैं. इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? तो बेटा पहला दिया हुआ है प्रेशर. प्रेशर क्या होगा बच्चों? प्रेशर जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट रहेगा. प्रेशर विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. वॉल्यूम. वॉल्यूम गोइंग टू बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज वॉल्यूम तो जो है वो कम ज्यादा होगा. फिर आपको दिया हुआ है मास. मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. और टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है वो क्या आ जाएगा? इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो दिस इज योर ओवरऑल सॉल्यूशन. ये आपका ओवरऑल सॉल्यूशन है, आई गेस आपको मिल गया होगा. राइट बच्चों, मिल गया ना? ओके,
फिर क्या बोला है, डिफाइन स्टेट फंक्शन एंड राइट इट्स टू, एंड डिफाइन स्टेट फंक्शन एंड राइट इट्स टू एग्जाम्पल। बेटा स्टेट फंक्शन वो होता है जो कि क्या होता है बच्चों, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड ना बच्चों, ओके ओके ओके। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, स्टेट फंक्शन बोला है वो जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन के दो प्रॉपर्टीज या दो एग्जाम्पल्स, तो स्टेट फंक्शन में हम लोगों को ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जो आ जाएंगे, तो प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है, नंबर ऑफ मोल जो है ये एक स्टेट फंक्शन है। तो आप लोगों को ये स्टेट फंक्शन के बारे में दिया गया है। ओके तो बच्चों इसके अलावा आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगर हम देखें तो अभी बच्चा लोग तुम लोग मुझे एक बार कमेंट में बता दो क्या आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई डू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप लोग अगर आंसर ढूंढोगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, एंड इवन आई वॉन्ट टू सेव योर टाइम, तो बिल्कुल मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, और इसी चैनल के नीचे मैं उसके लिंक्स भी अपलोड कर, इसी वीडियो के नीचे मैं उसके लिंक भी अपलोड कर दूंगी। तो यस ओके, तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है काइनेटिक्स कर लेते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कल के लेक्चर में कर लेंगे। कालरोश लॉ किस पे डिपेंड करता है, तो कालरोश लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिपेंड करता है। ऑल ऑफ अबव, न्यूमेरिकल्स में और कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, एक बीकर बनाना है, उस बीकर के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रोड डाल दो, इसके अंदर आपका ये एक सल्यूशन है, और फिर आपने इसको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया, यहाँ पे आपने NaCl का सल्यूशन डाल दिया, तो पॉजिटिव पे एक जगह पे आपका Na डिपॉजिट होगा और दूसरी जगह पे आपका Cl डिपॉजिट होगा। बट अगर आप फिर भी चाहते हो कि ये डायग्राम एग्जैक्टली आपको टेक्स्ट बुक से कहाँ पे दिया हुआ है, वो पेज नंबर भी मैं बता दूँ, तो आपको ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 98 पे, पेज नंबर 98, पेज नंबर 98 पे ये दिया हुआ है बच्चों। आप लोग क्वेश्चन बैंक डिलीट होने वाला है, न्यू आने वाला है, नहीं बेटा ये सारे रूमर्स पे बिलीव नहीं करो, जो दिया गया है वो पढ़ो, नहीं तो तुम लास्ट डे तक कुछ ना कुछ ऐसे ही सोचते रहोगे, वेब ऑफ क्वेश्चन बैंक डिलीट होगा या नया क्वेश्चन बैंक आएगा या इससे छोटा क्वेश्चन बैंक आएगा, अब इतना दे दिया इतना पढ़ लो बेटा। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, बेटा फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो ये मैं बच्चों को बोलती हूँ, अब तक के ये क्वेश्चन आया नहीं है बट आ जाएगा, किसी भी टाइम आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। पेज नंबर 103 के ऊपर तीन फंक्शंस दिए हुए हैं, ट्राई दिस के एग्जैक्टली नीचे है पेज नंबर 103 पे। पहला तो गैल्वेनिक सेल में दो अलग अलग बीकर होते हैं, तो सॉल्ट ब्रिज उनके बीच में क्या प्रोवाइड करता है, सॉल्ट ब्रिज उनके बीच में प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करने वाला है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। फिर इसके बाद अगर हम लोग दूसरा पॉइंट बात करें, तो सॉल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशन को मिक्स होने नहीं देता है, और ये हमारे दोनों साइड के बीकर को न्यूट्रल बना के रखता है। तो दैट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन व्हिच इज गिवन टू यू, ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है। बच्चों मैं एक और चीज बता दूं, मैम आपने वीडियो नहीं देखा दिनेश सर का क्या, बेटा मैं क्लास 12th के लिए फिलहाल सेशंस ले रही हूँ, और मुझे जो बोर्ड से क्वेश्चन बैंक आया है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, पीडीएफ का सोल्यूशन का हाँ पिन कर दूंगी बिल्कुल। बट बच्चों एक चीज बता दूँ, एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड बाय तबस्सुम चौधरी, केमिस्ट्री तो मुझसे मिल जाएगा, तो तुमको फिजिक्स के लिए भी तो चाहिए ना बेटा,
तो मेरे लेक्चर खत्म होने के बाद फिजिक्स वर्ल्ड बाय तबस्सुम चौधरी। अब बच्चा ये तबस्सुम चौधरी कौन है? तो ये मेरी बहन है, ठीक है। आप लोग आवाज नहीं आ रही है, आनी तो चाहिए आवाज। मैं इतनी तो जोर से बोलती हूँ, मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं और आपको आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिजिक्स के सॉल्यूशंस के लिए। ओके, लेट्स गो। मैम आप नेक्स्ट इंडियन बिलेनियर बनने जा रही हैं पक्का? नहीं नहीं बेटा, मुझे आपके आप लोगों के दिलों में बिलेनियर बनना है। डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल। रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, एक्चुअली ये रेट कांस्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन तो काइनेटिक्स में है, रेट ऑफ रिएक्शन तो बेटा काइनेटिक्स में है। ये तो भाई और नॉर्मली यहाँ पे आपका आ जाएगा रेट कांस्टेंट और सेल पोटेंशियल के बीच में इसने डेरिवेशन पूछा है। तो मैं आप लोगों को उसकी टेक्सट बुक का पेज नंबर बता देती हूँ, बिकॉज इट विल बी अगेन हेल्पफुल फॉर यू। तो इसका ना बेटा पेज नंबर आपको मिल जाएगा ये, हालांकि मैं कल इसका सोल्यूशन भी डाल दूंगी तो नो इश्यूज। पेज नंबर 96 पे, पेज नंबर 96 पे सेल पोटेंशियल क्या होता है? ई नॉट ऑफ अ सेल, तो इट इज नथिंग बट ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। भैया बस इतना सा लिखना है और इसी को एक्सप्लेन कर देना है बच्चों, इसी को एक्सप्लेन कर देना है। बेटा एक रिक्वेस्ट है यार, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे अच्छा नहीं लगता है मुझे बार बार बोलना और आपका कीमती समय वेस्ट करना, लेकिन फिर भी अगर नहीं किया है बेटा तो क्या करूं, कर लेना। और एक और चीज, अपने फ्रेंड्स के साथ मैम व्हेन यू विल गिव पीडीएफ फॉर दी सॉल्यूशंस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। एक्चुअली बीएबी राइडर्स इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव एट वंस, इट विल टेक टाइम टू राइट डाउन। एंड इवन दो आई हैव बिजी स्केड्यूल बट आई हैड मेक माई माइंड कि मुझे देना है तो बस देना है। तो कल से एक चैप्टर दो चैप्टर ऐसे मैं अपलोड करते जाऊंगी सॉल्यूशंस, एक एक दो दो चैप्टर्स के, राइट बेटा? बच्चों रिक्वेस्ट है मेरे चैनल पे जल्दी से 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। कल परसों तक करवा दो ताकि मैं आप लोगों को सारे ही सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूं। बेटा नहीं करवाओगे तो भी करूंगी, ऐसा कुछ है नहीं। राइट एप्लीकेशन फॉर खॉलरॉश लॉ, खॉलरॉश लॉ का एप्लीकेशन पेज नंबर 94 पे, और 5.3.7, पेज नंबर 94 पे 5.3.7 पे आपको इसका आंसर दिया गया है। ओके बेटा, आपको इसका आंसर कहाँ पे दिया गया है? पेज नंबर 74 पे। हाँ, ये हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट के इज नथिंग बट लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाय इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये आपका क्या है? सेल कांस्टेंट है। तो सेल कांस्टेंट इज अ रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाय इट्स एरिया, और उसका जो यूनिट है वो यूनिट है ईदर यू कैन राइट इट डाउन एज मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। बस यही आपका यूनिट आ जाएगा। किसका यूनिट आ जाएगा बच्चों? तो सेल कांस्टेंट का यह हो गया आपका यूनिट, ठीक है बेटा? आगे क्या बोला है? मेंशन द डिफिकल्टीज इन सेटलिंग शी। बेटा ये शी बिल्कुल लड़कियों की तरह, ये बहुत नखरीली है, आप सब लोग जानते हो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शी को सेटल करने में, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइड्रोजन का मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, प्योर और ड्राई हाइड्रोजन को ऑब्टेन करना डिफिकल्ट होता है, और साथ साथ में उसके कॉन्सेंट्रेशन को एज इट इज बनाए रखना डिफिकल्ट होता है। तो ये डिफिकल्टीज आपको पेज नंबर 109 पे, पेज नंबर 109 पे दिया गया है। एंड आई होप आप लोग फटफट फटफट ये पढ़ लोगे। लास्ट में तीन ही पॉइंट्स है शी को सेटल सेटल करने के लिए। ये आप लोगों को कल मिल जाएगा, ये आप लोगों को कल परसों तक मिल जाएगा, ये कल परसों तक मिल जाएगा सॉल्यूशंस। फिर दिया हुआ है स्टेट कालरोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कालरोश लॉ का स्टेटमेंट पूछा है, मतलब अभी इसने इतना घुमा फिरा के पूछा है, बट इन शॉर्ट पूछ रहा है डिफाइन कालरोश लॉ। डिफाइन कालरोश लॉ, तो आपका आंसर होगा कालरोश लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन एंड मेक इट्स ओन कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। फिर पूछा है गिव द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या है? मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा 1000 K/C। तो कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलार कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बस इतनी सी बात है, आपको इतना ही वहां पे लिखना है, ठीक है बेटा? आगे क्या दिया हुआ है? राइट एनी टू थ्री स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन मोलार कंसेंट्रेशन। ऐसे कौन से तीन स्टेप्स है विच इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन मोलार कंडक्टिविटी? तो कॉन्सेंट्रेशन, इसका आंसर मैं आप लोगों को कल थोड़ा सा बड़ा है तो लिख के दे दूंगी, बिकॉज अभी यहाँ पे आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। शीका डायग्राम आपको मिल जाएगा पेज नंबर 109 पे, पेज नंबर 109 पे। उसका एप्लीकेशन क्या है? तो शी एक तरह से रेफरेंस इलेक्ट्रॉड है, और रेफरेंस इलेक्ट्रॉड आप धीरे पढ़ाओ। अच्छा मैं धीरे पढ़ाऊ, ठीक है मैं धीरे पढ़ाती हूँ, मुझे लगा आप लोगों को लेट हो रहा होगा, बहुत ज्यादा देर हो गया, तो ठीक है मैं धीरे पढ़ाती हूँ। ओके, तो बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, मुझे लगा आप लोगों का ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं थोड़ा फटाफट जा रही थी। तो एक एप्लीकेशन जो आपको मिल जाएगा, ये भी पेज नंबर 109 पे मिल जाएगा। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और इससे हम लोग किसी भी एक इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बेटा देखो, कल परसों तक मेरे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स आप लोगों को पूरे करने हैं। अभी आप लोगों ने ऑल दो 100 सब्सक्राइबर्स पूरे और करवा दिए हैं, बाकी के भी करवा दो बच्चों। बार बार मुझे वैसे बोलना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अभी क्या कर सकते हैं। तो बेटा क्या बोला है, डिफाइन रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होता है बच्चा जिसकी वैल्यू या तो आपको पता होती है, या तो फिर आप जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जीरो ले लेते हो। तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 108 पे। हालांकि आपको हैंड रिटन नोट्स भी देने वाली हूँ। ओके अपूर्वे, ओके बेटा। ये न्यूमेरिकल टुमारो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस एनएसीएल। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस एनएसीएल, ठीक है अपूर्व, अब हम लोग थोड़ा स्लो ही करेंगे। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 99 पे, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 99 पे। इसका आंसर आपको बेटा पेज नंबर 99 पे मिल जाएगा। ओके, फिर क्या दिया हुआ है? ये न्यूमेरिकल है, कल देख लेंगे, कल परसों तक। अब इसके लॉन्ग आंसर्स में निकल कैडमियम बैटरी के बारे में बोला गया, और उसको सेकेंडरी सेल क्यों बोला गया है? बेटा जो रिचार्जेबल बैटरीज होती है ना, मतलब जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, अब तक लाइव मैम, जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल बोलते हैं। और ये आपका निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है, एंड ऑल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन। तो ये वैसे तो पता नहीं बेटा क्यों दे रखा है, रिड्यूस लेवल्स का हिस्सा है, बट कोई नहीं, बैटरीज तो हमें पढ़नी आनी चाहिए। क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है तो एक बार ही कर ही लेते हैं। डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थैंक यू आशीष, बट अभी क्वेश्चन बैंक बड़ा है, बच्चे लाइव है, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो लोग अभी तक सुन रहे हैं बेचारे। मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1000 K/C, ये आपका क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप हो जाएगा। तो इसमें ना बेटा सिर्फ आपको वो एक छोटा सा डेरिवेशन जो है वो दिया हुआ है, और आपको सिर्फ वो डेरिवेशन को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ये न्यूमेरिकल टुमारो, डे आफ्टर टुमारो विद सोल्यूशन यू विल गेट, इसका भी सोल्यूशन दे देती हूँ। फ्यूज्ड NaCl, फिर से ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग ने वहां पे किया था, फ्यूज्ड NaCl, पेज नंबर 98, पेज नंबर 98 पर इसका क्वेश्चन, आपको इसका आंसर क्या है बच्चा मिल जाएगा। चलो अता फुड़े बगुया। नाउ दिस चैप्टर इज अ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से एक न्यूमेरिकल आपके चैप्टर में जरूरी है। इट इज इम्पॉर्टेंट कि वन क्वेश्चन इज गोइंग टू कम फॉर न्यूमेरिकल्स। और ये चैप्टर में बेटा चैप्टर नंबर 6 है, और पूरे चैप्टर में 6 डेरिवेशंस है। बस यही 6 डेरिवेशंस पढ़ना है और आपको पूरे काइनेटिक्स के मार्क्स मिल ही जाने चाहिए। न्यूमेरिकल मैं अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ, बट करूंगी आगे। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अरे वाह, मिथाइल, हम लोग क्या करेंगे? मिथाइल एसिटेट का रिएक्शन वाटर के साथ, H2O के साथ करवा देंगे, और ये हो गया आपका
रिएक्शन आपको क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड, और साथ साथ में मिल जाएगा मिथेनॉल। बच्चों वैसे ये एग्जाम्पल नहीं, पर तुम पूरा सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन ही पढ़ लेना, पूरा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन पढ़ लेना, ठीक है। राइट दी फॉलोइंग, राइट ऑर्डर ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शन, अभी आपको इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालने बोला है, तो इसका ऑर्डर आप कैसे निकालोगे बेटा, तो एक्स और वाई आ जाएंगी, तो ऑर्डर के लिए मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कल, न्यूमेरिकल्स कल, और ये न्यूमेरिकल कल, तो ये हम लोग न्यूमेरिकल्स, हाँ अपलोडेड लेक्चर बिल्कुल बिल्कुल अपलोड होगा। राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन पूछा है। तो बेटा अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन के पेज नंबर के बारे में बात करूं, तो पेज नंबर 129, पेज नंबर 129 पे आपको ये पूरा डेरिवेशन जो है दिया हुआ है। ओके, नेम दी स्लोएस्ट स्टेप दैट डिटरमाइन दी रेट ऑफ अ रिएक्शन। बेटा ये बहुत सिंपल है, हमेशा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, तो कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, क्या होता है बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरडीएस बोलते हैं, आरडीएस बोलते, दैट मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के बीच में पुराने बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा टाइम लगता है। मान लो अगर एक रिएक्शन 10-15 मिनट के लिए हो रहा है, अगर 10 मिनट के लिए हो रहा है, तो उसमें 9.5 मिनट बॉन्ड को तोड़ने में लग जाएगा, नया बॉन्ड बहुत जल्दी बन जाएगा। एक एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, दे आर आस्किंग यू वन रिएक्शन, वन एग्जाम्पल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स, बट आप लोग जो ले सकते हो वो यही एग्जाम्पल ले सकते हो। ये वाला एग्जाम्पल देख रहे हो बेटा, ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है ये एग्जाम्पल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है बच्चों। और बोला है गिव वन एग्जाम्पल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यही एग्जाम्पल लिख दो आप लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 2NH3 विल गिव मी N2 + 3H2। वैसे भी ऑर्डर तो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है ना, थियोरटिकली तो हम नहीं बता सकते बच्चा, ठीक है बच्चों। बेटा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना प्यारे प्यारे से बच्चों। ओके, आगे क्या दिया हुआ है आपको, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है। ओके, व्हाट इज एन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। बेटा ये मैंने ना केमिकल काइनेटिक्स वैसे अपने चैनल पे तो अपलोड कर रखा है, बट फिर आप लोगों को उतना टाइम तो नहीं होगा देखने के लिए, बट यू कैन सी कि एक न्यूमेरिकल ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को जल्दी बता दूंगी। बाकी इसका सोल्यूशन तो मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड कर ही रही हूँ। हाफ लाइफ ये न्यूमेरिकल है, अभी पहले तो मैं आपको न्यूमेरिकल बता दूं, ये न्यूमेरिकल है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, मान के चलो बेटा 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन फिक्स है, ये इंपॉर्टेंट वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि जैसे कि आपका पेपर जो है वो थोड़ा सा सिंपल होने वाला है ऐसा लगता है ना, तो इसी की वजह से पेज नंबर 125 पे, पेज नंबर 125 पे एकदम नीचे आपके बुक में दो दो पॉइंट्स दिया हुआ है, तो आप इसके आंसर के लिए पेज नंबर 125 को रिफर कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। गिव एनी 4 key points फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चार बातें पूछ रहा है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। पेज नंबर 124, पेज नंबर 124 पे सबसे पहला पॉइंट, पेज नंबर 124 पे सबसे पहला पॉइंट जो है आपको वही लिखना है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, ऑर्डर कैन नॉट बी नोन थियोरटिकली, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर 1 भी हो सकता है, ऑर्डर 2 भी हो सकता है। ज्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं उनका ऑर्डर कितना होता है बच्चों, तो ज्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं वो तो या 0 ऑर्डर होते हैं या तो फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, ठीक है बच्चों। एक रिक्वेस्ट, जब सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है
ये हमने ऑलरेडी क्या है बेटा कर लिया है, अभी हमने उसका एग्जाम्पल देखा है, किसका एग्जाम्पल, मिथाइल एसिटेट का। डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है जो हम खुद से पता नहीं लगा सकते हैं, और वो हमें सिर्फ तब पता लगेगा जब हम एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे। तो जब हम एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे देन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। बेटा ये अपना आज हम लोग काइनेटिक्स कर रहे हैं, कल एग्जैक्टली सुबह 11 बजे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आएंगे। मीनवाइल मैं आप लोगों को टेलीग्राम का जो है लिंक दे दूंगी। तो ये आज काइनेटिक्स लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, और उसके साथ साथ मुझे हैंड रिटन नोट्स पे भी काम करना है। तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों से कल मिलूंगी, ओके ओके बेटा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डेराइव एन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये डेरिवेशन है बच्चों, 6 डेरिवेशन दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को वो 6 डेरिवेशन के नाम बता रही हूँ। बस ये डेरिवेशंस आप ना ऐसे मान के चलो कि आपको हर हाल में कर ही लेना है। तो कौन कौन से डेरिवेशन है? पहला है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ओके, तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसका है? लिक्विड का। फिर वही इंटीग्रेटेड रेट लॉ है गैस का। फिर उसके बाद दिया हुआ है हाफ लाइफ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हाफ लाइफ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और लास्ट में आपको कर लेना है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर तुम ये 6 डेरिवेशन कर लेते हो ना बेटा, मतलब तुमको मैक्सिमम डेरिवेशन से मार्क्स मिल ही जाएंगे। ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको कल करेंगे, परसों करेंगे। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, देखो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ का हाफ लाइफ निकालने बोला है, और जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालने बोला है। इट इज़ अ स्मॉल डेरिवेशन, बट अगेन इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। तो बेटा अगर मैं इनके पेज नंबर्स के बारे में बात करूँ कि ये हमें किस पेज नंबर पे मिल जाएंगे इनका आंसर, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का आपको जो है डेरिवेशन का पेज नंबर मिल जाएगा ऑन 127, इट विल बी ऑन पेज नंबर 127, और जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ आपको मिल जाएगा पेज नंबर 130 पे, इट विल बी प्रेजेंट ऑफ पेज नंबर 130। बच्चों एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। ओके, अभी देखते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वॉट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं? d/dt के फॉर्म में, राइट। तो आपको क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट एक तरफ और रिएक्टेंट दूसरे तरफ। यहाँ पे आ जाएगा आपको N2O पावर में आपके यहाँ पे 2 × d/dt। ओके, d/dt, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यहाँ पे दिया हुआ है। ओके बेटा, तो इसका फिर से मैं आपको PDF दे दूंगी, PDF में ये सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगी। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ PDF केमिकल काइनेटिक्स थर्मोडायनामिक्स ये बड़े बड़े चैप्टर्स के मैं पहले दे दूँ, और फिर बाद में आपको जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनके PDF आगे चल के देती जाऊँगी। वाई इज मोलिकुलरिटी एप्लीकेबल फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन? बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है उसकी मोलिकुलरिटी नहीं निकाली जा सकती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी मल्टीपल स्टेप्स में निकाली जाती है। हर एक इंडिविजुअल स्टेप का आप मॉलिक्यूलैरिटी निकाल सकते हो, बट ऑल टुगेदर नहीं निकाल सकते। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी नेवर इक्वल टू जीरो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकती है। बेटा मॉलिक्यूलैरिटी इज नथिंग बट इट इज अ नंबर ऑफ रिएक्टेंट। मॉलिक्यूलैरिटी है क्या बेटा? तो मॉलिक्यूलैरिटी नंबर ऑफ रिएक्टेंट है। तो अगर मान लो आपका रिएक्टेंट ही जीरो हो गया, तो अगर रिएक्टेंट है ही नहीं बेटा तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा कैसे? तो ऑब्वियसली किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती है, बिकॉज रिएक्टेंट के बिना रिएक्शन ही नहीं हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ रिएक्टेंट। ये न्यूमेरिकल कल, ये न्यूमेरिकल
मतलब कल या परसों तक न्यूमेरिकल्स, टुमोरो। हियर वी हैव, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन वाटर एंड ऑलिक्युलैरिटी आर सेम। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है बेटा जहां पे आपका मॉडर ऑर्डर और एक बार और, मतलब एक बार पूरा फिर से और करूँ बेटा 3 घंटे और लग जाएंगे, बट कोई नहीं। कल अभी मैं आपको कल का टाइम बता देती हूँ। टुमारो एट 11:30, टुमारो एट 11:30 पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सल्यूशन आपको मिल जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सबके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। और मैं टेलीग्राम का लिंक भी पिन कर दूंगी, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं आप लोगों को फिर आगे चल के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगी। तो बच्चों एक चीज बोल रही हूँ यार, प्लीज जल्दी से मेरे चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो। नंबर बहुत करीब आ गया है एंड दैट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल अगर आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करते हो। ठीक है बच्चा लोग, तो प्लीज 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 जल्दी जल्दी मेरे 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कराओ। ओके, गिव वन एग्जांपल, मेंशन एनी टू फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा कौन कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते, ये तो तुमने नहीं क्लास 10th में पढ़ा था, वैसा ही बिल्कुल है। टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है, प्रेशर इफेक्ट कर सकता है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, बट तुमको दो पूछा है तो टेम्परेचर और प्रेशर ले लो। कितने आसानी से आपका टेम्परेचर और प्रेशर हो गया, एंड देन फिर क्या है आपको मिल गया। और फिर आपको बोला है ए इज गिविंग अ प्रोडक्ट, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। आपके पास एक ए रिएक्शन है और मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट। व्हाट अगर एक स्ट्रेट लाइन से जा रहा है तो व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, बट डिटेल में इसका आंसर कैसे लिखना है बिकॉज इतना सिंपल तो है नहीं। तो नहीं आशीष, कैटलिस्ट इफेक्ट नहीं करता है काइनेटिक्स में, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ रखा है कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एक चीज दी हुई है। अब ये चैप्टर नंबर 7 है, इसको थोड़ा डिटेल में कल करेंगे बिकॉज मुझे पता है आप लोग भी सैचुरेट हो गए होंगे। तो आज हमने जो 6 चैप्टर्स किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चैप्टर्स किए। नाउ इट इज टुडे एज वेडनेसडे, बाय संडे आई विल प्रोवाइड यू विथ हैंड रिटन नोट्स फॉर ऑल द 6 चैप्टर ऑन माई टेलीग्राम चैनल विच विल बी फॉर क्लास 11th एंड 12th। क्लास 11th और 12th का जो भी नोट्स है मैं उसी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी और आप लोग जो है उसके थ्रू पूरा सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों का कब है प्रसाद? आपका तब होगा जब आपके क्वेश्चन बैंक्स आ जाएंगे, बट इसके अलावा हम, क्योंकि मुझे पता है बच्चे पढ़ने वाले तो है नहीं कुछ एक्स्ट्रा, है ना बेटा? नहीं पढ़ने वाले हो ना, मुझे पता है। नहीं, आप तो बहुत सिंसियर से बच्चे हो, आप तो बिल्कुल पढ़ोगे बेटा। तो आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, इसके हैंड रिटन नोट्स यू विल गेट बाय संडे। कल मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दूंगी, बट बच्चों अभी एक रिक्वेस्ट है जाते जाते मेरी, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बहुत बोलना पड़ता है ना सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब कर लो, क्या करें बेटा ये भी एक काम है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना। और इसके अलावा एक और चीज बोल रही हूँ जो आप लोगों को थोड़ी और हेल्पफुल हो जाएगी। देखो बेटा मैं तो आप लोगों को फिजिक्स नहीं देने वाली हूँ, तो फिजिक्स का सल्यूशन चाहिए तो एक चैनल है जिसको सब्सक्राइब कर लो, जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। फिजिक्स वर्ल्ड बाय तबस्सुम चौधरी। अभी ये मेरा सेशन खत्म हो रहा है ना बेटा, तो बस वहीं पे चले जाओ। कहाँ पे? फिजिक्स वर्ल्ड बाय तबस्सुम चौधरी पे, और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहे। मैम आपको फिजिक्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम। आगे हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो फॉर डी ब्लॉक
पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ताकि मैं उनके पूरे कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको दे सकूं, और पॉसिबल होगा तो मैं उनके पूरे टोटल डिटेल में सॉल्यूशंस लिख के लाऊंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चा लोग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बट बिफोर आई लीव, ओके, थैंक यू सो मच मैम। क्वेश्चन बैंक से कितना आने वाला है बेटा? एटलीस्ट तुम ये मान के चलो ना कि क्वेश्चन बैंक से कुछ नहीं कुछ तो 80% क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। 80% क्वेश्चन। नेक्स्ट स्ट्रीम कल 11:30 बजे रहेगा, कल नेक्स्ट स्ट्रीम 11:30 बजे रहेगा एग्जैक्टली। और अभी यहाँ से जाओगे तो फिजिक्स वर्ल्ड बाय तबस्सुम पे जाके सब्सक्राइब कर देना। ओके, एनीथिंग एल्स? आपका 100 वाला लाइक है, आप तो फेवरेट स्टूडेंट नहीं, फेवरेट तो सारे ही है भाई। ओके ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम बच्चा लोग, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके चलो बच्चा लोग, फिर मिलते हैं। मैम हिंदी में नोट्स दो, मला हिंदी एंड मराठी हे दोन, हिंदी मी हिंदी लिखू शकत नहीं, मतलब हिंदी तो नहीं आती लिखने बेटा। बट एनीवेज बच्चों चलो बाय बाय, विल सी यू टुमारो एग्जैक्टली एट 11:30, सेम टाइम एंड सेम प्लेस। बाय 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 बच्चों, अब मैं स्ट्रीम नहीं नहीं अभी बहुत काम है आशीष, चलो बाय बाय। लास्ट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को लाइक करते जाना और शेयर कर लेना बच्चों। ओके बाय।